सब्जेक्ट। अभी आप कितने समय से जुड़े हुए हैं इस कॉलेज से? सर इट्स नॉट सो फार एसोसिएशन फॉर दिस बट लर्निंग फेज स्टार्ट्स लास्ट टू लास्ट ईयर ओनली सर बट उससे पहले मेरे एसोसिएशन सर सो मच तांत्रिक से भी रहा है एस्ट्रोलॉजर से भी रहा है अच्छा तो वहां से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया सर ओके ये मेरी किस्मत थी कि मुझे बड़े अच्छे मिले सुनील सर मिले अब आप मिल गए तो सर वो तो कहते ना भी चुनने चेटल आती वो वाला काम हो गया सर मैं तो इनफैक्ट आपके संस्कार जो है ना वो मुझे मैंने बताया कि मुझे अपने यंगर डेज की याद दिलाते हैं बिकॉज माय एसोसिएशन विद द सब्जेक्ट हैज बीन वेरी वेरी ओल्ड आई टोल्ड यू इन 1978 व्हेन आई वाज डूइंग 12th दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग ऑन astrology as a matter of curiosity because on 18th of March of 1978 when Jyotsudhar Bhutto was hanged that was the time of great turmoil and because I've been an avid learner of various books articles and also mere saath ye bhi tha ki main but I used to sneak out some time to look into the astrological dad used to pay the yearly subscription for that. Hello. It used to come in a monthly basis. नमस्कार संजय जी. बस बढ़िया है. अपने ये हरजी का माल तैयार हो रहा है बिलिंग हो जाएगा या हाउ इज इट हरजी का सिचुएशन कैसा है? सिंधु मैम नमस्कार. लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको जवाब देने के लिए. सर बिलिंग भी जरूरी है सर. हाँ नहीं बिल्कुल. नमस्कार सर. अभी तो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी कैजुअल काइंड ऑफ अ डिस्कशन अभी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नवमांचा आर सीरियस स्टडीज. गुरुजी नमस्कार. विशाल गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग दवे साहब. नमस्कार सर. नमस्ते जी. प्रभात देसाई. हम लोग जो सीरियस सब्जेक्ट की स्टडी शुरू करेंगे वो 8 to 9 होगा एंड प्रायर टू दैट बिटवीन दिस टाइम टू 8 o'clock वी आर गोइंग टू टॉक इन अ वेरी कैजुअल वे और आई एम गोइंग टू आंसर सम क्वेश्चंस इफ यू हैव मेनी ऑफ यू माइट हैव अटेंडेड द डेमो क्लास तो आप लोगों ने डेमो क्लास के बीच में कुछ डेफिनेटली आप लोगों को क्यूरियोसिटी हुई होगी कुछ बातों के बारे में और कुछ मुझे टॉन्सिलाइटिस है तो मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल पाऊंगा लेकिन मुझे लगता है मैं ऑडिबल हूँ आप सभी को. जी सर. जी बिल्कुल सर. हाँ जी सर. थैंक यू. तो अभी आप लोगों को जिन्होंने भी डेमो क्लास ज्वाइन की थी उनको नवमांशा से रिलेटेड कोई बात ऐसी है जो कि उनके मतलब उन लोगों को ट्रबल करती है या उनको क्यूरियोसिटी होती है तो उस पर हम लोग चर्चा अभी करेंगे. सो आई इनवाइट ईच वन ऑफ यू टू कम अप विद क्वेश्चंस एंड गिव यू मी Every question, Ranjana ji, namaskar, kya hal hai? Every question is very important to me. कभी इस बात पे शर्म मत खाइएगा कि आपका question किस grades में लिया जाएगा. जो question आपके जहन में है वो question बहुत important है हमारे लिए और कोई भी question जो है वो graded नहीं होता. जो क्वेश्चन आपकी तरफ से निकलेगा वो पूरी उत्तर किया जाएगा. आपको उसमें किसी भी तरह से कोई भी आप संकोच मत करिएगा पूछने में. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ आपने पूछना हो. अभी पिछली डेमो क्लास में आप लोग थे. सुमित आपने कुछ पूछना हो तो बिगिन विद बट वी आर गोइंग टू नॉट एज ऑफ नाउ सर. आई एम श्योर आई विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट नन एज ऑफ नाउ. ओके. नमस्कार सर.
ठीक है सर। सर मेरा एक या दो क्वेश्चन से एक्चुअली मैं डेमो क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। आप पूछिए। तो लेकिन सुनील जी के साथ मैंने जो लास्ट ईयर जो पराशरी के कोर्स हुए थे वो मैंने अटेंड करे थे, तो मेरे को कुछ हद तक बेसिक रूल्स तो समझ में आए थे, लेकिन वही होता है कि बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो अब हम जब D9 पढ़ेंगे तो उसमें D1 चार्ट के भी काफ़ी रूल्स उसमें आएंगे, तो जब आप कोर्स पढ़ा रहे होंगे तो क्या उनको भी आप थोड़ा सा टच बैक करते रहेंगे जैसे जैसे हम D9 पढ़ेंगे, क्योंकि D9 बहुत स्पेशलाइज्ड स्टडी हो जाती है बेसिकली। तो देखिए इसमें राहुल साहब D9 में मतलब इसमें दो तरह से D1 और D9 का इंटरप्रिटेशन होता है। एक होता है जो कि फुल्ली कनेक्टेड है, क्योंकि वो D1 का जो चार्ट है वो मदर ऑफ ऑल चार्ट्स है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं वो सारे के सारे D1 से निकले हैं। तब जैसे द्वादशांशा है तो 30 डिग्री की राशि को 12 से डिवाइड होता है, तो 2 डिग्री और 2.30 का द्वादशांशा जो कि माता पिता के लिए। तो इसी प्रकार से हर जो डिविजनल चार्ट है वो जो कि D1 से निकलेगा, तो D1 को पूरी तरह से साइडलाइन तो नहीं किया जा सकता, और वो एक कनेक्टेड है। D9 जो कि उसका एक सूक्ष्म विभाग है, यानी उसका एक माइक्रो लेवल का इंटरप्रिटेशन है, और जो आपको ये समझने में सक्षम करता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिलीवर्ड, यानी कि इस पेड़ में जो फल आए हैं वो किस तरह के हैं, उनके इवेंट्स उस व्यक्ति के जीवन में किस तरह के मैनिफेस्ट होने वाले हैं। तो उसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें तो D1 रिलेटेड हैं। तो जब हम उस एस्पेक्ट को करेंगे तो D1 वुड डेफिनेटली बी टच्ड एंड देयर बी अ रिफ्रेशिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ D1 इज रेड, क्योंकि वो भी एक अहम मुद्दा रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं राहुल साहब की जो सिर्फ D9 पे ही एप्लीकेबल होते हैं, जो कि D1 से उनका उतना उतने ताल्लुक नहीं होते, क्योंकि वो स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि D9 में देखे जाते हैं, और वो रूल्स हम फिर D9 पे लगाएंगे। क्लास को हम बड़ी सिस्टमेटिकली तरीके से और बड़ी मैथमेटिकल एंड सिस्टमेटाइज वे में हम इसे डिवेलप करेंगे, ताकि ये जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों को ऐसे तैयार हो जाए कि आप इस सब्जेक्ट इस बिना D9 को देखे मंचों को देखे आप कुछ भी ना कर पाए। मतलब आपको खुद पे एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस का एक आपको आभास होगा कि अगर आपने किसी के D9 को स्टडी नहीं किया। ठीक है सर, थैंक यू सर। I have one question. कौन सा बोल रहे हैं? प्रदीप साहब। प्रदीप दलेला। हाँ बोलिए। ये जो D9 चार्ट है, जस्ट व्हेन वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर अलग अलग D9 चार्ट बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए ये चीज जो है खुद आप इसको एग्जामिन कर पाएं। क्लास की शुरुआत में हम D9 चार्ट को स्ट्रक्चर करने के मेथड्स आपको बताएंगे, क्योंकि मैं जो आप लोगों को D9 चार्ट इतनी सुगमता से बनाना सिखाने वाला हूं कि आप लोगों को जो कभी कोई देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर मैं वायरसेस की वजह से या सॉफ्टवेयर अगर बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ है, बहुत स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वहाँ पे एनिमलीज होना लाजमी है, और ये आप देखते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में इस तरह की वर्चुअल वर्ल्ड में इस तरह की प्रॉब्लम्स
लोगों को फेस होती है। लेकिन अगर आपको D9 बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप एयर ट्रेवल कर रहे हों या आप रेल ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपका जो है फेलो पैसेंजर अगर अपने ग्रहों की डिग्रीज और D1 की पोजीशन अगर आपको बता देगा, या बाय एनी चांस उसकी हॉरोस्कोप में D9 नहीं बना हुआ है, उसके बाद एक सिंगल पेज है, तो आप वहाँ पे माइंड से ही कैलकुलेट कर लेंगे D9 क्या है। तो इतना मैं आपको इजी मेथड, मैं आई एम गोइंग टू डिविएट फ्रॉम व्हाट हैज बीन रिटन इन दी क्लासिकल टेक्स्ट बुक, उसका एक रीज़न है कि मैं आई हैव डन ए लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और मैं इसको सिंप्लीफाई करने में बिलीव करता हूँ। तो इसलिए क्या है कि जो क्लासिकल टेक्स्ट में D9 निकालने का जो मेथड दिया है उसको मैं बड़े सन्ड्री वे में, यानी इन ए वेरी सुपरफ्लूस मैनर, बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू नो एवरी थिंग विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आप विद्वानों की संगत में कभी आपको ये फीलिंग ना हो कि आपको आपके गुरु ने क्लासिकल टेक्स्ट के मेथड्स नहीं बताए, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उसको कैलकुलेट करने का, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, और ये आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको ये तैयार हो जाएगा। और अभी हम करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि इस समय तो वी आर गोइंग टू हैव ए चिट चैट एंड वी आर गोइंग टू टॉक टू और आंसर पीपल। हाँ सुमित बोलिए। सर इसमें जो D9 में फर्क आता है, जितना मैं समझ पाया हूँ जो इंसाफ का क्वेश्चन है उसी को फर्दर करते हुए बोल रहा हूँ, कि एक तो अयनांश का जो चॉइस होता है ये उस पर भी मैटर कर जाता है, समटाइम्स द D9 यू नो फेयर्स डिफरेंटली व्हेन यू यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अयनांश, एंड ऑल्सो राहु केतु के पर्टेनिंग मीन एंड ट्रू नोड्स, इनका भी आई डोंट नो लग्न कुंडली में हमेशा फर्क आएगा नहीं, लेकिन D9 में अक्सर आ जाता है। This has been my observation. आप अगर इस पे थोड़ा बता पाएं। देखिए सुमित ने एक वर्ड यूज किया है अयनांशा। देखिए अयनांशा क्या है, हमें ये समझना होगा कि हम जो है साइडीरियल लॉन्जिट्यूड्स को हम लेते हैं, हमारा जितना भी पूरा फलित लिखा गया है, थोड़ा सा बीच बीच में गर्म पानी पीता रहूंगा क्योंकि थोड़ा मम्स वगैरह सेल किए हुए हैं तो बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल जो कुछ फैक्ट्स हैं जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स अडॉप्ट करते हैं, हमारा जो जोडियक है वो वेस्टवर्डली मूव करता है एनुअली, कितना 50 seconds एनुअल। तो फिर एक, और चूंकि वर्नल इक्विनॉक्स से जोडियक की राशियां, एक्चुअली ये समित ने थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए आपको टफ आंसर लगेगा, लेकिन ये टफ आंसर नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि जो जोडियक है, जोडियक क्या है, ये इसमें जो है ये इलेप्टिकल है, और इस इलेप्टिकल में जो मतलब हमने जो है ऐसे जियो सेंट्रिक हमारे ऋषियों ने बनाया है, यानी जियो सेंट्रिक का मतलब ऐसे ये हीलियो सेंट्रिक है, हीलियो सेंट्रिक का मतलब है कि सन बीइंग ए स्टार इज इन द मिडल, और जो है वो अर्थ की जो ऑर्बिट है उसके 8 degrees ऑन बोथ साइड्स, देर आर ऑर्बिट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स एंड देर आर इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स एंड देन एक्स्ट्रा सेचुरियन प्लैनेट्स विच आर प्लूटो यूरेनस प्लूटो एंड नेपच्यून, विच हमारा फलित उसको नहीं लेता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा फलित जो है वो उसमें राहु केतु को लेता है, जो कि अपर लोअर नोट्स हैं, जो कि बहरहाल कहने का मतलब है कि जो जोडियक है वो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट ये है कि जोडियक 50 seconds एनुअली वेस्टवर्डली मूव करता है। तो इसका ये मतलब हुआ
कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स की जो मेष राशि है वो मेष राशि मूव करते करते आगे निकल जाएगी, लेकिन हमारे जो ऋषियों ने फलित लिखा है वो फलित लिखा है वर्नल इक्विनॉक्स की ओरिजिनल पोजीशन को लेकर, तो हमें हर बार उसको पीछे करना होता है। आप यूँ समझिए कि जैसे ये है माउस है, ये माउस जो है थोड़ा वेस्टवर्डली मूव कर गया, करा तो 52nd पर एनम है, बट अगर आप उसे 2020 से माइनस, when it has been deemed to be at the same place, उनका वर्नल इक्विनॉक्स विच इज द बिगनिंग ऑफ द एरीज राशि वेस्टर्नर्स का और जो हमारा फलित लिखने वालों का जिस समय एक जगह पे था, वो एक ईयर को कुछ बेसिस पे उसको कंप्यूट किया गया है, उसे जैसे डॉक्टर बी वी रमन ने या भसीन ने या युक्तेश्वर ने, लेकिन जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको मानती है वो है चित्रपक्षी आयनांचा। यानी कहने का मतलब है, अब ये चित्रपक्षी वाली बात कैसे आई, क्योंकि जो JPCM जो एक तारा है उसके 180 डिग्रीज पे एक रैलिंग पॉइंट ले लिया गया है कि भाई यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे और हर बार हम इसे पीछे करेंगे। वो तो जो पीछे करने का जो सिस्टम है, आपको मालूम है कि 60 seconds का एक मिनट है और 60 minutes की एक डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, जो लॉन्जिट्यूड है जोडाइकल प्लैनेट्स का, जो कि आज का एक्चुअल गोचर है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है, हम उसे माइनस करते हैं आयनांशा से। आयनांशा इज द मोमेंट ओवर दोज नंबर ऑफ ईयर। जस्ट टू गिव यू ए स्नैपशॉट काइंड ऑफ थिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू मच डिटेल ऑफ इट, आप ये बस ये समझ लीजिए कि अगर 2018 में सपोज दोनों एक जगह थे और 2020 में आपने पोजीशन निकालनी है साइडीरियल कि आपने निकालना है कि कहाँ पे हैं, तो 2020 माइनस 2018 कितना हुआ, दो साल को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 50 सेकंड से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको फिर आप डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, उतनी डिग्रीज आप माइनस कर देंगे आज के गोचर में, आज के गोचर की जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है, इसीलिए आयनांशा हमेशा माइनस होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास में जैसे हॉरोस्कोप है, इसमें आप हॉरोस्कोप में देखेंगे यहाँ पे इसमें सबसे लास्ट में लिखा रहता है आयनांशा, अगर आप मुझे दिखाई पड़ रहा हो, मैं यहाँ से आपको सर दिखा था, राइट हैंड साइड पे दिखा था सर आयनांशा। या देखिए नीचे आप बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे आयनांशा लिखा हुआ है, आयनांशा कितना है -23.25.09। यानी जो लाहरी का जो चित्र पक्षी आयनांशा है वो 23 degrees 25 minutes and 09 seconds का है और साथ में लिखा हुआ है लहरी। इसका मतलब है जो इंडिया में जो फॉलो होता है वो लाहरी का आयनांशा फॉलो होता है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन विद सुमित साहब, LMT करेक्शन दूसरी चीज है, ये तो आयनांशा करेक्शन है। इसमें क्या है कि जो आयनांशा को जब आप देखें वो ना ऑलरेडी करेक्टेड आता है हमारे उसमें, LMT करेक्शन जो है वो लोकल मीन टाइम का करेक्शन दूसरी चीज हो गई। अब ये पूरी फिर अर्थमेटिक क्लास चली जाएगी, विच विल नॉट बी ऑफ मच प्रोडक्टिविटी टू अस। 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सर ये तो। हाँ मतलब इसमें लोकल मीन टाइम जो है ना वो असल में विद एवरी लॉन्जिट्यूड वो 4 minutes का फर्क होता है फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। तो LMT जो है लोकल मीन टाइम जो होता है वो उसके करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम जियोलॉजिकल हम उसे जो है जियोसेंट्रिक ले रहे हैं, तो जी सर जो मिलता है समय वो IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हिच इज ऑल इंडिया रेडियो टाइम।
वहां से शुरू होते हैं। मैं इस बारे में अलग से आपको समझा दूंगा, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब है कि सुमित साहब का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, जो आयनांशा है वो डिफरेंट जो एस्ट्रोलॉजी के विद्वान हुए हैं उनके आयनांशाज में डिफरेंस है काफ़ी। इसमें अगर कृष्णमूर्ति का लेंगे तो 25 डिग्रीज आएगा, तो इसी तरीके से न्यू कृष्णमूर्ति वो 24 डिग्रीज है। तो ये आयनांशा करेक्शन करने की जो आवश्यकता हमें पड़ती है वो इसलिए पड़ती है क्योंकि जोडियक जो है वो 50 सेकंड्स पर एनम मूव कर रहा है, लेकिन हमारा पूरा फलित वर्नल इक्विनॉक्स से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और वर्नल इक्विनॉक्स को हमने जो हमारे ऋषियों ने माना है वो चित्रा नक्षत्र से देखा है, और जो कि 180 डिग्रीज टू जाइपी स्कीम से है। ये वजह है, आप समझ गए सुमित जी? सर ठीक है प्रदीप साहब, इसमें जो नवमांशा में जो डिफरेंस आएगा अगर प्लेनेटरी लॉन्जिट्यूड्स चेंज हो जाएंगे साइडीरियल, तो डेफिनेटली नवमांशा चूंकि लॉन्जिट्यूड्स पे आधारित है तो इसलिए उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो? एक सर इसी का वो कंटिन्यूएशन में, राहु केतु की ट्रू नोड्स लेने चाहिए या मीन नोड्स? देखिए मैं तो ट्रू लेता हूँ, साउथ इंडिया में मीन्स लिए जाते हैं, तो वो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस वैसे आता नहीं है मेरे ख्याल सर, कुछ 20 और डेज का कुछ फर्क होता है गोचरी मूवमेंट में राशि परिवर्तन, कुछ अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड दैट टाइम, जैसे अभी जब राहु केतु का परिवर्तन हुआ है तो कुछ 20 और डेज का डिफरेंस था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। टू वाले में ज्यादा करेक्ट आया है, राहु का मूवमेंट हुआ है अपनी उच्च की राशि में तो लोगों को इमीडिएटली इफेक्ट्स आ गए। राइट, जो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और मैंने आपको बताया कि हमारा सब्जेक्ट फलित का है, तो चूंकि फलित में इट्स अ वेरी इजी थिंग कि आप जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो आपकी इवेंट्स की टाइमिंग से पता चलता है। थैंक यू सर। हाँ जी, आप में से किसी ने नवांश पे कुछ पूछना हो? देखिए पहली बात है इसी को फिर हम, चूंकि किसी ने पूछना मैं देखता हूँ कि किसी ने हाथ नहीं उठाया है तो हम ठीक है। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलिए ऋतु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने ऑडियो चेक कीजिए पहले। हेलो सर, सॉरी आ रही है। हाँ आ रही जी, बोलिए सर। एक्चुअली ना मुझे ये पूछना था कि मैंने वैदिक को या कुछ किया नहीं है, तो विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आई एम न्यू टू दिस। देखिए एक सिंपल सी बात है कि बड़ा सिंपल है कि आप ये समझिए हर चीज सिस्टमेटिकली ऊपर जाती है, डेवलप होती है, और चूंकि हमारे साइंस का बेस बेसिक है, अगर आपने बेसिक बिल्कुल नहीं किया है तो आपको इन क्लासेस में अपने आप को बहुत ज़्यादा पेसअप करना पड़ेगा, आपको साइड बाय साइड आपको इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इतना आपके लिए इजी नहीं होने वाला, क्योंकि बेसिक में कुछ बातें हैं जो कि जैसे हम नवमांशा करेंगे तो नवमांश में ये प्रिज्यूम्ड होगा, यानी हम मान के चलेंगे कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं उन सबको बेसिकली बहुत सी चीज़ों की नॉलेज है, और क्योंकि बेसिक की उनको अब आपको भावों के सिग्निफिकेशंस, आपको नॉमन क्लेचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज्योतिष में, नॉमन क्लेचर का मतलब है आपको यू शुड बी अवेयर कि ट्राइनल हाउसेस कौन से हैं,
शाइन के भाव कौन से हैं, 159 है, केंद्र के भाव कौन से हैं, 147 एंड 10 है, और लग्न का भाव कौन सा है जो कि ट्राइनल भी है और केंद्र का भी है, कुछ बातें आपको त्रिक भाव कौन से हैं जो कि दुख स्थान है, चार भाव, ये जो नॉम कॉमन जो बेसिक के जो नॉलेज है वो तो आपकी एक बेस तो रहना ही चाहिए। अगर आपके पास वो बेस नहीं है तो ऋतु जी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। वैसे एक एडवांटेज आपको रहेगा कि हमारा चूंकि हमने कुंडली को ही करना है नवमांश की, तो मैंने जैसे गौरव साहब में किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसमें जवाब दिया था कि इसमें दो तरह से हम देखेंगे, एक तो D1 चार्ट को और D9 चार्ट को, क्योंकि एक वेटिंग एजेंट के रूप में देखेंगे तो हम D1 को भी स्टडी करेंगे तो साथ में हम D9 को भी स्टडी करेंगे। तो जब हम ये D1 और D9 का स्टडी करते हैं तो उसमें आपको कुछ बाकी लोगों के तो रिफ्रेशिंग हो जाएगा जो हमारे नियम हैं, लेकिन अब बहुत से लोगों के साथ रिफ्रेशिंग होगा, लेकिन आपके साथ में वो दैट वुड बी द फर्स्ट इंटरफेस, तो आपको थोड़ा मुश्किलात होगी। अब दूसरी बात यह है कि जब हम नवमांश को पढ़ेंगे, नवमांश को पढ़ने का भी एक तरीका इंडिपेंडेंट चार्ट के रूप में भी होता है, तो वहाँ पे D1 के बहुत से रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे, ये आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको साइड बाय साइड आपने बेसिक वाला कोर्स जो सुनील जी चला रहे हैं, मिस्टर प्रताप शील कोर्स बेकल तो उन्होंने 12 तारीख से शुरू किया है, उसको भी आपने ज्वाइन कर लेना चाहिए या आपने बुक्स ले लेनी चाहिए और उनको आपको स्टडी करना होगा। ऋतु जी आप क्या इतना टाइम डिवोट कर पाएंगी उन सब बातों को आप देख लीजिए। वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सुगम तरीके से और आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक की नॉलेज होना जरूरी है। और किसी ने कुछ पूछना हो? मैं थोड़ा सा ग्रीन टी वगैरह कुछ लेके आता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है सर? सर बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद दिखाई दिया। हाँ आप भी कहीं कहीं और बिजी थे? मैं तो हस्तरेखा वाले में चल रहा हूँ। अच्छा पामिस्ट्री कर रहे हैं? अच्छा अच्छा आज से ये शुरू किया नवांशा का। चलो बढ़िया है। कैसा है पामिस्ट्री? कैसा है? इजी है? इजी है। ओके वो तो आपका जजमेंट है ना उसमें। अच्छा, आप लाइन मालूम है, जजमेंट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा मतलब सेट ऑफ रूल्स फिक्स हैं उसके? सेट ऑफ रूल पामिस्ट्री में कहीं में फिक्स नहीं होते हैं, मुझे तो लगते नहीं है। अच्छा प्रदीप जी की भी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, बेसिक वाली। हाँ प्रताप जी की। प्रताप जी की? हाँ इज गोइंग वेल। हाँ बढ़िया पढ़ाते हैं वो, गुड पढ़ाते हैं। आप मैंने देखा तो नहीं, पर आप पढ़ाते अच्छा हूँ क्योंकि नहीं मैं मेरे घर के पास रहते हैं ना, तो मैं जो अच्छा, बोलते अच्छा। बोलते हैं ना तो अच्छा बोलते हैं, मतलब काफी इंटरेस्टिंगली बोलते हैं वो, तो मतलब इंटरेस्ट जमता है सुनने में। लिखते भी बहुत अच्छा है वो। लिखते बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखते हैं। मेरे पास तो उनकी इतने सारे नोट्स हैं, फाइल बन गई। करते भी रहते हैं रिसर्च, कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो। फुल टाइम डिवोटी है ना इसमें। हाँ ये तो है। और हम लोग सब जने अपने हिसाब से, हम लोग अपना 5% निकालते हैं, वो 85% निकालते हैं। हाँ सही बात है, वही वाली बात है, जितना टाइम डिवोट कर पाते हैं उतना मतलब स्किल शार्पनिंग हो जाती है। ये तो है। अब ये हम लोग नौ सीखे जैसे मेन हम लोग का नहीं है ना ये। हाँ मेन नहीं है हमारा, वही चक्कर है। उनका मेन हो गया है ये। ठीक बात है वो। तो हम लोग तो बस अपने सीखने के लिए सीख रहे हैं, कब अप्लाई करेंगे मालूम नहीं। नहीं जिज्ञासा शांत तो नहीं जरूरी है ना सर हर आदमी के। वैसे सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्लाई हो ही जाता है, मतलब एक तो होता है ना कि कमर्शियल यूज के लिए अप्लाई करना, और एक होता है अपना डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना, तो कुछ ना कुछ करके तो अप्लाई हो जाता है। अप्लाई हो जाता है, बड़ा सही अप्लाई होता है वो तो सर। लेकिन जितना ज्यादा अप्लाई करते हैं ना सर, उतनी ज्यादा प्रिसिजन आनी शुरू हो जाती है उसमें अंदर ना। और विद टाइम जो है वो सिग्निफिकेशन तो चेंज होते रहते हैं, जैसे राहु मिस्टीरियस है तो वो मतलब मालूम नहीं कितना मिस्टीरियस है, मेरी लाइफ में पता नहीं चला राहु मिस्टीरियस। ये लोग कहते हैं राहुल मिस्टीरियस है, शनि वो है, ये पता नहीं चला। नहीं चलता है सर पता, राहु का पता चलता है। राहु का जब जैसे ना रिजल्ट देना शुरू करता है राहु तो अच्छे देता है। नहीं अच्छे नहीं मतलब जिस भी तरह के देता है, लेकिन उसमें ना क्लैरिटी कभी नहीं होती रिजल्ट में कि ऐसा ही होने वाला है। अरे मालूम नहीं विश्रम जी, राहुल जब मेरा तो 17 साल निकल गया राहुल के, जो निकल वो जो होती है महादशा। हाँ। मुझे तो पता ही नहीं चला राहुल निकल कब गए, कब स्टार्ट हुए थे कब निकल गए। तो आपकी प्लेसमेंट बढ़िया होगी ना, कहीं 3, 3, 6, 9 में पड़ा होगा। तीन में हो गया ना राहु। राहु 3 में तो रिजल्ट देगा ही देगा, अगर नीच का नहीं है वहाँ पे तो। राहु नीच का कहाँ होता है, राहु हरदम ऊंच का होता है। नहीं नहीं राहु राहु मतलब नमस्कार नमस्कार प्रदीप जी, आपका राहु और मेरा राहु, आपका राहु मेरा राहु एक ही जगह बैठा हुआ, एक चीज और कॉमन हो गई। मैंने आपकी हस्तरेखा बता दिया। गौरव जी का हस्तरेखा मेरी हस्तरेखा बहुत मिलती है। तीन में सर राहु मतलब एक्स्ट्रा लेबोरियस तो बना ही देता है हर आदमी को। मेरा भी 3 में ही है, हालत पतली कर देता है काम करा करा कर। अब हम लोग क्विकली रीकैप करेंगे जो हमने पिछले बार नवांशा के बारे में किया था। नवांशा
पहली बात तो यह है कि नवांशा जो है सभी वर्गा कुंडली में 16 वर्ग कुंडलियां हैं, उसमें नवांशा को सबसे अधिक महत्व ऋषि पाराशर ने दिया है, और इसका पता चलता है जो अलॉटमेंट ऑफ विक्षुपाक बल है उससे पता चलता है। जैसे मैंने डेमो क्लास में भी आप लोगों को बताया कि इसे D1 चार्ट को 6 पॉइंट्स हैं षड वर्ग में, 6 डिविजनल चार्ट्स में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविजनल चार्ट्स होते हैं, और उसमें नवांशा को 5 पॉइंट्स है, और जो सोडस वर्ग है 16 वर्ग कुंडलियां हैं उसमें 3.5 बल है और नवांशा को 3 पॉइंट का बल दिया गया है। बेसिकली नवांशा जो है वो एक वेटिंग एजेंट है। वेटिंग का मतलब होता है कि नवांशा के द्वारा ही आपको ये पता चलता है कि आपके जो हैं वो फलित किस तरह से, आपको किस तरह का फल मिलेगा, क्योंकि जहाँ D1 चार्ट जो है वो काफ़ी स्थूल रूप से चीज़ों को बताता है, और उसमें जो इन्फ्लुएंसेस आपके जीवन में हैं उनके बारे में पता चलता है। वैसे तो मैं आपको ये अश्योर करूं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर D1 चार्ट से भी काफ़ी कुछ निकाल सकता है, ऐसा मेरा मानना है कि D1 चार्ट बहुत काफ़ी चीज़ें उससे निकल जाती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें, आपको एक, चूँकि ऋषि ने एक टूल दिया है D9 का, और D9 में उन्हीं चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छी तरह पकड़ पाते हैं, जैसे कि D1 चार्ट के बारे में कहते हैं कि ये चार्ट जो है प्रॉमिसेस और डिनाइल्स का है, यानी इसमें कुछ प्रॉमिसेस हैं और कुछ बातें डिनाइल के रूप में हैं, यानी कि मना की गई हैं। लेकिन जब आप D9 चार्ट में आप देखते हैं, क्योंकि वो आपका, उसके अंदर वैसे भी आप देखिए जितने भी एक सर्टेन लॉन्जिट्यूड पे आके प्लैनेट्स और किसी राशि विशेष में आके एक प्लैनेट बड़ा पोटेंट हो जाता है अपने रिजल्ट देने के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। जैसे आप ये समझिए कि जो लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको तो ये समझ में आ जाएगा कि एक प्लैनेट जो है वो एक राशि विशेष में आके बलि माना जाता है। जैसे कि गुरु हैं वो कर्क राशि के अंदर वो उच्च के हो जाते हैं तो बलि हो जाते हैं, इसी तरह से मंगल मकर राशि में उच्च के हो के बलि हो जाते हैं, सूर्य मेष राशि में बलि होते हैं, चंद्रमा वृष राशि में बलि हो जाते हैं क्योंकि उच्च के होते हैं, बुध जो है अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण की राशि भी है उनकी और उच्च की भी है जो कि वर्गो या कन्या राशि है, और शुक्र जो है मीन राशि में जाके उच्च के होते हैं। इसी प्रकार से ग्रह जो है राशियों में ही जाके नीच के भी हो जाते हैं, उसकी ऑपोजिट 180 डिग्रीज अपार्ट जो राशि है उसमें जाके नीच के हो जाते हैं। तो बेसिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है कि एक प्लैनेट एक सर्टेन राशि में जाके बलि या निर्बल होता है। अब वही बात यहाँ पे थोड़ा नवांशा के केस में थोड़ा डिफरेंट है, वो डिफरेंस ये है कि नवांशा से बहुत सी चीज़ों के बाबत वो उन बातों के बारे में पता चलता है जो कि आदमी ने इस जीवन में जो उसके जीवन में घटित होनी है, यानी उसका जो संचित कर्म है वो आपके D1 से आता है, जो उसका प्रारब्ध है जो उसने भोगना है वो आपके D9 से आता है, इसलिए D9 की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अभी आगे आप आने वाली क्लासेस में आपको कई ऐसी टेक्निक्स के बारे में पता चलने वाला है जिनके द्वारा ये बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ये समझना कि कौन सा जो क्लाइंट आपके आए हैं या आप अगर अपने बच्चे की हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो कौन सा ग्रह उसका एक्चुअल में निर्बल है और कौन सा बली है। यानी कि आप ये समझिए कि इवन बृहत पाराशर होरा शास्त्र में क्लियर कहा है कि अगर कोई ग्रह उच्च का है जो कि नेटल चार्ट के अंदर और नवांशा में जाके उच्च का हो जाता है, अगर वो नेटल चार्ट में उच्च का है नवांशा में अगर नीच का हो जाता है तो वो अफलित हो जाएगा, यानी उसके अच्छे प्रभाव नहीं मिलने वाले।
और उसी प्रकार से इन्वर्सली ये भी ट्रू है कि अगर कोई ग्रह D1 चार्ट में या नेटल चार्ट में नीच का है और नवाचा में जाके उच्च का है तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। वैसे तो D1 चार्ट में भी एक नियम लागू होता है, वो नियम अभी हमें हमारे पास 5-7 मिनट हैं, 3 मिनट हैं, अभी हम अपने अनुमान छपे आएंगे, 8 बजे से हम एग्जैक्टली शुरू करेंगे। तो एक नियम जो है D1 चार्ट में भी है वो ये है कि जैसे कोई ग्रह अगर उच्च का है और उसका डिस्पोजिटर जो है वो उस राशि के स्वामी को बोलते हैं जिस राशि में ग्रह होता है, अगर उसका डिस्पोजिटर अगर D1 में ही अगर नीच का है तो भी वो ग्रह का उच्च का होने का कोई भी फल नहीं मिलता। यानी इसको आप यूं समझिएगा, आप इस बात को यूं समझिएगा जैसे गुरु अगर उच्च के हैं तो गुरु उच्च के किस में होंगे, कर्क राशि में, और उनका डिस्पोजिटर कौन हो गया, कर्क का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा अगर वृक्षिक में है यानी कि चंद्रमा अगर नीच के हैं तो ये उच्च के गुरु अपना फल नहीं दे पाएंगे। ये तो D1 के अंदर भी इस तरह का एक नियम चलता है, और D1 में चूंकि ट्राइनल कॉन्सेप्ट चलता है तो उसका मतलब एक ग्रह जो किसी ट्राइन पे उच्च का होता है, यानी कि ट्राइन्स कौन कौन से हैं, जैसे धर्म का है ट्राइन 159, अर्थ का ट्राइन है 2610, और काम का है 3711, और मोक्ष का है 4812। या यूँ कहिए कि राशियों के तत्व के अनुसार जो अग्नि तत्व राशियां हैं 159, और जो अर्धी राशियां हैं वो 2610, और जो एरी साइंस हैं वो 3711, और जो वाटरी साइंस है वो 4812 यानी 4812। तो ये भी D1 में एक नियम चलता है, सूक्ष्मता से लोग लगाते हैं कि ग्रह उस ट्राइन के किसी भी एक राशि में उच्च का होता है तो बाकी दोनों राशियों में भी अच्छे प्रभाव देता है। यानी कहने का मतलब है 4812 में गुरु चूंकि 4 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं तो 8 नंबर और 12 नंबर इन दोनों ही राशियों में उतने ही अच्छे प्रभाव देंगे जितने कि उच्च के प्रभाव होते हैं। या मंगल जैसे किस ट्राइन में उच्च का होता है, अर्धी ट्राइन में, यानी कि जो अर्थ की जो राशियां हैं 2-6-10 उसमें वो उच्च का होता है मकर राशि में जाके मंगल। तो मंगल 2 नंबर पे भी और 6 नंबर पे भी, इन दोनों पे भी वो अफलित नहीं माना जाएगा, यानी कि उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, अच्छा प्रभाव। तो ज्योतिष में इन नियमों को भी लिया जाता है, और इसका इन्वर्सली नियम भी है, अगर कोई ग्रह किसी राशि विशेष में नीच का हो जाता है ट्राइनल में, ट्राइन्स की जो राशियां हैं उनमें, तो वो दूसरी राशियों में भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अब इसी में हमने जो जैसे रिकैप हम कर रहे हैं तो रिकैप में रिकैपिटुलेट कर रहे हैं जो हमने पिछले बार किया था, तो उसको नुमांशा चूंकि एक हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है तो वो सबसे पहले तो वो भावों का, ग्रहों का, इनका आपको बलाबल समझाता है, वो यानी कहने का मतलब है कि जब हम उसको उसके बलाबल की बात करते हैं तो वो भावों की स्ट्रेंथ भी आपको नुमांशा देख के पता चलेगी, तो ग्रह की स्वयं की स्ट्रेंथ भी आपको नुमांशा देख के पता चल जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है ये आपके लिए इजी हो जाता है कि अगर कोई ग्रह अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब उस ग्रह के 3 चीज़ें उसकी अच्छी हो जाएंगी। एक तो ग्रह के जो सिग्निफिकेशंस हैं यानी ग्रह के अपने जो कारकत्व हैं वो कारकत्व अच्छे हो जाएंगे, और दूसरा ग्रह की 2 राशियों वाले 5 ग्रह हैं तो उसकी दोनों ही राशियां बलवान हो जाएंगी, और वो राशियां चूंकि किसी भाव पे पड़ी हैं वो इसका मतलब उन भावों के भी सिग्निफिकेशंस या उन भावों के कारकत्व बहुत अच्छे आने लगेंगे। सपोज उसकी एक राशि 5म भाव में पड़ती है
तो उसका मतलब व्यक्ति का आईक्यू अच्छा होगा, उसकी सर्टिफाइड एजुकेशन अच्छी होगी, उसको संतान से सुख मिलेगा, इसी प्रकार से उसको किसी तरह के अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, एक्यूलेट्स, नेम फेम, जो गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह, वो सब उसको मिलेंगे। इसी तरह से उसको पंचम भाव से ईष्ट देखते हैं, गॉड दैट अपील्स टू यू, तो उसका मतलब है कि जो ईश्वर के प्रति उसका रुझान होगा, अपने ईष्ट के प्रति, वो अनफ्लिंचिंग होगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होगा, वो पूरे डिवोशन के साथ होगा। इसी तरीके से पंचम भाव से आने वाले जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, वो सभी सिग्निफिकेशंस अच्छे प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये नवमांश एक वेटिंग एजेंट है, और नवमांश में आपने देख लिया कि वो ग्रह की स्थिति अच्छी है। अब प्रश्न ये उठता है, जो बेसिक के स्टूडेंट हैं उनको ये मालूम है कि किसी भी ग्रह और भाव की स्थिति को अच्छा आप कैसे देखते हैं। अच्छे का मतलब होता है कि अगर ग्रह त्रिकोणों पे बैठा है, यानी ट्राइनल हाउसेस पे बैठा है या ट्राइनल लॉर्ड है, तब ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ग्रह जो है केंद्र में है तो उसे केंद्र बल मिलता है, तो केंद्र बल ही हो जाता है। अगर वो लाभ स्थान का है तो लाभांश में चला गया, लाभांश में चला गया, कोणांश में चला गया, केंद्रांश में चला गया, या इसी प्रकार से धन के अंश में चला गया, तो वो अच्छा हो गया ग्रह। और वही ग्रह अगर या लग्नांश में चला गया, यानी कि लग्न में ही चला गया नवमांश के, तो वो बहुत पावरफुल हो गया। और वहीं अगर उल्टा, अगर वो दुख स्थान, आप जानते हैं कि कुंडली के 6, 8, 12 जो भाव हैं वो दुख के भाव हैं, अगर वो दुख भावों में चला गया, या उसी तरीके से स्ट्रगल, मशक्कत, मेहनत का भाव है थर्ड हाउस, अगर वो थर्ड हाउस में चला गया, तो बिना मशक्कत मेहनत या बिना ब्लू कॉलर काइंड ऑफ वर्क, मतलब बिना किसी, हाँ थर्ड हाउस की कुछ अच्छे सिग्निफिकेशन भी हैं, जैसे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी है, और थर्ड हाउस चूँकि आपके आपके स्टेमिना का, विल पावर का है, और एक्सरसाइजिंग का है, स्पोर्ट्स का है, तो अगर वो उन क्षेत्रों में तो व्यक्ति को आगे लेके जाएगा। लेकिन जहाँ तक थर्ड हाउस है, चूँकि बिगनिंग ऑफ ए डिजीज का भी है, और चूँकि वो त्रिषडाय भाव है, और ऋषि पाराशर ने कहा है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, यानी द लॉर्ड्स ऑफ द टाइम विल ऑलवेज गिव ऑस्पिशियस रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो, नेतारो का मतलब होता है लॉर्ड्स। बड़ी सिंबली के साथ में ये संस्कृत में लिखा है ऋषि पाराशर ने, इसमें उपमाएं देके लिखा हुआ है, सर्वे त्रिकोण नेतारो, नेतारो का मतलब होता है लॉर्ड्स, लॉर्ड्स ऑफ द ट्राइनल हाउसेस, ग्रह शुभ फल प्रदा, मतलब सभी त्रिकोणों के जो नेता हैं, यानी जो लॉर्ड्स हैं, ग्रह शुभ फल प्रदा, यानी वो शुभ फल को हमेशा देंगे। पतिय है त्रिषडाया नाम, पतिय है, कितनी खूबसूरत सिमली है, कितनी, पति कौन है, पति भी लॉर्ड है, उन्होंने मतलब उसको रिपीट नहीं किया नेतारों को, यानी कहने का मतलब है कि हमारे ऋषि कितने अच्छे कवि भी, काव्यात्मक रूप में कितना अच्छा लिखते थे। खैर आपने जो भी रामचरितमानस को या वाल्मीकि जी के रामायण को, इनको जो पढ़ते हैं या जिन्होंने भागवत पढ़ी है, वो सब इन सब बातों से वाकिफ होंगे कि बड़ा काव्यात्मक ज्ञान था, और वो संस्कृत के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। पतिय है त्रिषडाया नाम, त्रि मतलब थर्ड हाउस, षट मीन्स सिक्स्थ हाउस, आय त्रिषडाया, त्रिषडाया नाम यानी तीसरा, छठा और ग्यारहवां लाभ का भाव। पतिय है त्रिषडाया नाम यदा पाप फल प्रदा, वो हमेशा पापी फल को देंगे, यानी वो उनके जो लॉर्ड्स होंगे वो हमेशा जो है इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स देंगे। अब हमारा टाइम शुरू हो गया है, तो विल स्टार्ट विद नवमांश। बहरहाल कहने का मतलब है कि अब आप समझ गए हैं चीज़ों को, कि
क्योंकि एक वेडिंग चार्ट है और नमांशा से आपको बहुत सी चीजें आपको पता चलती हैं जो कि कॉरोबरेटिव नहीं है। कॉरोबरेटिव तो डीवन से आपको कॉरोबरेट करना होगा। कॉरोबरेट का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर कंफर्मेशन दैट यू माइट हैव टू गो बैक टू द डीवन चार्ट। लेकिन अगर आप इसे कहें तो ये एक बिल्कुल फ्रुक्टिफिकेशन या फ्रूट्स का चार्ट है, यानी कि आप धड़ल्ले से इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ऐसे ज्योतिषी हैं जो कि महादशा को तो डीवन चार्ट से स्टडी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर चाय में अगर आप थोड़ा सा लेमन डाल दें वो तो आवाज़ बुलंद हो जाती है। तो आप लोग भी लें, मेरा मेरी सलाह है। मुझे लगता था कि शायद मैं आज बोल ना पाऊंगा। हाँ जी, तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि जो नौमांशा में जितने भी आपके सेकंड ऑर्डर के हैं, देखिए आप एक बात खुद भी सोचिए कि एक महादशा है, 50 साल के व्यक्ति को अगर शुक्र की महादशा आती है तो शुक्र की महादशा का जो टेन्योर है या स्पैन है वो कितना है, 20 वर्ष का, यानी 50 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक शुक्र की महादशा उनको रहेगी। 50 से 70 में वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसके वो एपेक्स लेवल तक जाएंगे। सपोज वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है तो वो डायरेक्टर जनरल पुलिस तक जाएगा, फिर उसका रोजगार भी खत्म हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि वो फिर रिटायर हो जाएगा, तो उसकी जो आने वाली इनकम है वो पेंशन के रूप में आधी रह जाएगी। और अगर उसने 2004 के बाद ज्वाइन किया होगा तो पेंशन ही हटा दी गई हैं, तो उसका मतलब है कि उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो उसका आय का साधन खत्म हो जाएगा। इस बीच में उसके जो उसका खर्चा होगा, उसके बच्चे जो हैं एडुकेशन में अगर होंगे तो अगर हायर एजुकेशन पे जाते हैं तो वो उसको स्पेंड भी करना होगा, फिर उसके बच्चों का क्या विवाह होगा तो विवाह पे उसका खर्चा होगा, फिर वो बच्चे सेटल करेगा। इस बीच में उसके अपने माता पिता की, चूंकि वो 70 वर्ष के करीब जा रहा है तो उसके माता पिता की आयु होगी 90 या 90-95, तो हो सकता है उनके साथ में कोई हादसा हो जाए। तो अब आप एक बात ये देखिए कि शुक्र की महादशा ने उसे कितना मिक्स्ड रिजल्ट दिया। तो महादशा हमेशा, महादशा में अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। तो उसका तो महादशा आपको सिर्फ एक आदमी के ना कथ के बारे में बताता है कि ये महादशा एक अच्छे भाव की महादशा है, तो इस महादशा में इस व्यक्ति का कद बढ़ेगा, यानी कद का मतलब है कि उसके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, उसके फाइनेंशियल्स बढ़ेंगे, तो साथ में उसका वेल्थ मैनेजमेंट अच्छा होगा, उसका जॉब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, वो सब एक मोटे मोटे स्थूल रूप में आपको पता चलता है। तो जितने भी अच्छे ज्योतिषी होते हैं, अंतरदशा जो है वो स्मॉलर ड्यूरेशन की आती है। अब जैसे शुक्र में, शुक्र की अगर अंतरदशा आएगी तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स द इजीएस्ट। आप एयर भी ट्रेवल कर रहे हो ना, तो आपको कोई भी दशा में अंतरदशा को कैलकुलेट करने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आपने करना क्या है कि शुक्र की महादशा 20 वर्ष की है, शुक्र की अंतरदशा आ रही है या उसने कहा कि मेरी शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ हुई है, तो आपने उसे कैलकुलेट कैसे करना है, 20 × 20 कितना हुआ, 400। 400 में जो इकाई को आपने 3 से गुणा करना है। अब ये 0 आया तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 आ गया तो बचा कितना, 40 months। 40 months का मतलब क्या हुआ, 3 वर्ष। 3 वर्ष में वह 36 महीने और 4 महीने और, तो आप क्या बोलेंगे कि ये शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर आपका कितना रहेगा, 3 वर्ष 4 माह का। अब इसी में सपोजिंग वो कहे कि मुझे शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर है, आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो आपने इमीडिएटली आपने उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि एयर हॉस्टल ने आपको मोबाइल तो स्विच ऑफ करवा दिया है, तो आप कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते। तो जो सूर्य का जो स्पैन है वो क्या है, 6 years दशा का, और ये है 20 years शुक्र का, तो 20 × 120 का मतलब है जो उसकी इकाई है 0, उसको आपने 3 से गुणा किया तो 0 आ गया, बचा कितना, 12। तो इसका मतलब दशा जो उसको रहेगी वो 12 months की रहेगी।
बहरहाल कहने का मतलब है जब अंतरदशा आती है चूंकि उसका स्पैन छोटा होता है, इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट जो अंतरदशा होगी, स्मॉलेस्ट जो, भाई सब लोग अपना अपना म्यूट कर लीजिए मेरे अलावा, उसका कारण है कि ये लेमन टी कब तक वर्क करेगी और कब तक मैं बुलंद आवाज से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। अभी सुबह तो मेरे मुंह से आवाज, कल तो मुझे आवाज नहीं निकल रही थी, वैसे कल से हमारी क्लास शुरू होने वाली थी, तो सुनील जी ने जब मेरी फोन पे बोले आप कौन बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ही बोल रहा हूँ, बस आवाज नहीं निकल रही है। बाद में हम जो है ना, हमारा बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम आप लोगों से मैं पूछूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास इफ यू'd लाइक टू कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो आल्सो इन कंटिन्यूएशन, अगर आप चाहेंगे कि बुधवार में भी हम लोग मिल जाएं और इसको सब्जेक्ट को कंटिन्यू करें और मेजोरिटी अगर स्पीक पे हम आगे चलेंगे, अगर सबने कहा कि आप इसे वेंसडे भी आप क्लास चलाइए, तो हमारा वो मंडे का कॉम्पनसेशन कल क्लास में हो जाएगा। उसके लिए मैं आपके चैट बॉक्स पे देख लूँगा कि कितने लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं। अच्छा बहरहाल, जैसे सबसे छोटी जो अंतरदशा होगी वो किसकी होगी, वो सूर्य की होगी, क्योंकि सूर्य जो है 6 वर्ष का की महादशा है। अब सूर्य में सूर्य आया तो 6 × 6 कितना हुआ, 36। 36 में आपने 6 जो उसकी इकाई है उसमें आपने 3 से गुणा करना है, इट मीन्स 18 डेज, और मंथ कितना है 3, तो उसका मतलब 18 डेज एंड 3 मंथ्स, ये सबसे शॉर्टेस्ट अंतरदशा होगी। अब इतनी शॉर्ट अंतरदशा है ये, अंतरदशाओं को देखने का जो तरीका होता है वो लोग जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर, इनको वो जाके देखते हैं नवमांशा के अंदर में, क्योंकि सारा जो घटनाओं का, ये इकाई वाला मुझे समझ में नहीं आया, इकाई से कैसे, इकाई का मतलब होता है, मतलब दैट इज द फर्स्ट, जैसे आप अगर आप कहें कि 1001 यूनिट, 1001 में क्या मतलब, इकाई कौन सी भी 1, दहाई कौन सी भी 0, 0, 0 पर 1, तो ये इस तरीके से होता है, इट इज द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ जो, जैसे आपने 6 यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यूनिट प्लेस, यस यूनिट, यस। बहरहाल कहने का मतलब है कि 6 × 6 = 36, तो उसका जो फर्स्ट पद है वो उसमें यूनिट में आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, विच कम्स टू 18 डेज, और वो 3 मंथ्स उसका आ गई उसकी वो दशा। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि जो दशा में, महादशा के बाद में अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर, ये हमेशा ज्यादातर जो है वो उसमें जाके देखते हैं, तो उनको अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि घटनाएं जो है, घटनाएं हैं वो घटनाएं सूक्ष्म अंतर के दौरान होती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपना म्यूट करके रखें, क्योंकि थोड़ा अब मैं आपको कैलकुलेशंस के बारे में बताना चाहता हूं कि नवमांश को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, जो क्लासिकल जो टेक्स्ट में जो कैलकुलेशन है, आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल अरिथमेटिकल बात है, तो थोड़ा शुड साउंड एज डिफिकल्टी। इसमें जो क्लासिकल टेक्स्ट वाला है, मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आपने भूल जाना है, आपने उसको याद नहीं रखना, क्योंकि मैं आपको ना शॉर्टेस्ट टर्म में आगे लेके जाऊंगा, जो कि विच इज द इजिएस्ट फॉर यू टू कंप्लीट कंप्यूट, लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इसका एक शिक्षक हूं और मैं नहीं चाहता कि आप किसी विद्वानों की संगत में जाए और आप कहें कि हमारे गुरु जी ने हमको ये मेथड बताया, दिस मेथड इज ऑल्सो बींग फॉलोड विच आई एम गोइंग टू टेल यू, वो भी फॉलो होता है, लेकिन जो क्लासिकल टेक्स्ट है जिस मेथड को लेकर चल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या है, देखिए नवमांशा, सबसे पहले तो नवमांशा क्या है कि 30 डिग्री की राशि का एक स्पैन होता है, और चूंकि हम थ्योरी ऑफ इक्वल हाउसेस में के आधार पे चलते हैं, तो चूंकि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, तो 12 ही राशियां होती हैं, थ्योरी ऑफ इक्वल हाउसेस, इक्वल हाउसेस मतलब हर हाउस का
स्पैन 30 डिग्री का होगा तो उसमें 30 डिग्री की एक राशि विराजमान होगी। अब नौमांशा जो है चूंकि उससे वो 9 से हम डिवाइड करते हैं, 9 से हम उसको उसका 9th पार्ट हमने निकालना है, तो वो 9th डिवीजन हम कैसे निकालेंगे कि आपने उसको 9 से अगर आपने भाग दिया तो आया 3 डिग्री और 20 मिनट। इसके कैलकुलेशन में अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी आए तो मैं आपको वो भी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। 9 से अगर आपने उसको भाग दिया तो 9 × 27 बचा कितना, 3 डिग्री। डिग्री को आप मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3 डिग्री को अगर 60 से आप गुणा करें तो कितने मिनट आ गए, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स को फिर आप 9 से उसका 9 डिवीजन आप लेंगे तो क्या होगा, 9 × 2 = 18 और 0, इसका मतलब 3 डिग्री 20 मिनट। तो उसका जो 9th पार्ट है वो 3 डिग्री 20 मिनट का है। और 12 भावों में अगर 9 नवमांशा अगर आते हैं तो उसका मतलब टोटल नवमांशा आपके एक कुंडली के अंदर में 108 आते हैं। अब ये साम्यता क्यों रखता है, इसका एक थोड़ा सा लंबा जो मेथड है वो है नक्षत्र के तरीके से आपने जाना, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नक्षत्र में भी वही डिविजन्स आ जाते हैं। इस वजह से नवमांशा जो मेथड है वो बहुत क्विक इजी शॉर्टकट है एज कम्पेयर टू द नक्षत्र मेथड। लेकिन अभी मैं जब दशाओं के ऊपर कोई क्लास चलाऊंगा तो मैं आपको दशा के इंटरप्रिटेशन के सभी मेथड्स बताऊंगा, जिसमें कि नक्षत्र वाला जो मेथड होता है वो काफी एक्यूरेसी के साथ में आपको रिजल्ट्स लेके आता है। तो अब आप देखिए नक्षत्र में क्या है, नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसके 4 चरण एक नक्षत्र के होते हैं, तो एक चरण कितना है, 3 डिग्री 20 मिनट का। अब 3 डिग्री 20 मिनट को आप 4 बार अगर आप उसको ऐड करें तो 3 डिग्री 20 मिनट को अगर आप 4 बार अगर ऐड कर दें, अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो ऐड करके आप देख लीजिए 13 डिग्री 20 मिनट आएगा, क्योंकि जैसे ही 60 मिनट, क्योंकि 20 मिनट है ना, 20 को 4 का मतलब 80 मिनट हो गया, 80 का मतलब 60 मिनट का ये डिग्री हो गई, और इधर 3 × 12 12 में एक जुड़ गया एक डिग्री तो 13 डिग्री हो गई, और इधर बचा 20 मिनट, बड़ा सिंपल है। तो उसको मतलब 13 डिग्री 20 मिनट का जो एक चरण होता है उस नक्षत्र का, वो चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, और एक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं, 9 चरण जो है नक्षत्रास के एक राशि के अंदर आते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवमांशा का पद आ रहा है तो वही नक्षत्र का पद आएगा 3 डिग्री 20 मिनट का होने की वजह से। तो उसका मतलब दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां पे भी 12 नंबर वो 27 नक्षत्र में है, अगर आप चरण से अगर आप उसके 4 चरण के हिसाब में अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें तो 108 चरण आ जाते हैं, और यहाँ पे 108 नौमांशा आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं जो मेथड है नक्षत्र के थ्रू इंटरप्रिटेशन का और जो मेथड है नौमांश के थ्रू इंटरप्रिटेशन का, उसमें आपस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है और वो बहुत एक्यूरेसी के साथ आने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा और इस वीडियो को 2 बार सुनना होगा, क्योंकि मैथमेटिकल बात हो रही है और थोड़ा सा अरिथमेटिक वाली बात में थोड़ा जोर देने की जरूरत होती है, लेकिन मैं उसको डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो कोर टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ नवमांशा। तो मैं आपके सामने कैलकुलेशन शीट जो है लेके आता हूँ, उसके पहले मैं आपको समझा दूँ कैलकुलेशन कैसे, जो जो क्लासिक्स में कैलकुलेशन कैसे किया गया है। केंद्र की जो राशियां हैं वो केंद्र भाव की राशियां हैं 1, 4, 7, 10। केंद्र की राशियों में नवमांशा का कैलकुलेशन, जो नवमांशा का जो काउंटिंग होगा वो एरीज से होता है, वहीं से होता है, और उसके बाद जो है जो आपकी फिक्स राशियां हैं, पड़फर राशियां आ रही हैं 2, 5, 8, 11, उन राशियों में वहां से 9th से कैलकुलेशन होता है, और उसके बाद जो अपोक्लिम की जो राशियां आती हैं, यानी जो कैडेंट राशियां आती हैं, इसके पहले जो सक्सीडेंट राशियां हैं, सक्सीडेंट में जो है 9th फ्रॉम देयर, और जो कैडेंट्स होती हैं उनमें 5th फ्रॉम देयर कैलकुलेशन स्टार्ट्स। लेकिन इसको भूल जाइए बिल्कुल, बहुत आपको ये बहुत कंफ्यूजन में डालेगा, आपको हर बार जो है इस बात को सोचना होगा कि वहां से काउंट करूँ 5वां, वहां से काउंट करूँ 9वां, या वहां से काउंट करूँ 1ला। हमारे पास एक बहुत ईजी मेथड है जो कि राशियों के तत्वों पर आधारित है। सबसे पहले आप ये समझिए कालपुरुष की कुंडली की जब बात होती है तो
तो काल पुरुष हमेशा मेष लगन को बोलते हैं, एरीज असेंडेंट को। जो काल पुरुष की जो कुंडली है यानी कि मेष लगन की जो कुंडली है उसमें भाव और राशियां कॉरेस्पॉन्ड करती है विद ईच अदर। यानी कि एरीज असेंडेंट में पहला भाव में पहली राशि पड़ेगी, यानी पहला भाव है एरीज, पहले भाव में जो फर्स्ट हाउस है उसमें एरीज राशि आएगी, दूसरे भाव में टॉरस आएगी, वृष आएगी, तीसरे में जेमिनी आएगी यानी मिथुन आएगी, चौथे में कर्क आएगी यानी कि कैंसर आएगी, पांचवें भाव में लियो आएगी या सिंह आएगी, छठे भाव में वर्गो या कन्या आएगी, सातवें भाव में तुला या लिब्रा आएगी, आठवें भाव में स्कॉर्पियो या वृश्चिक आएगी, नवम भाव में सैजिटेरियस या धनु आएगी, दसवें भाव में मकर या कैप्रिकॉन आएगी, और एक्वेरियस और कुंभ जो है 11th हाउस में आएगी, पाइसेस और मीन जो है वो 12th हाउस में आएगी। तो आपने सिर्फ कालपुरुष की कुंडली को याद रखना है, उसके केंद्र भावों में कौन सी राशियां पड़ रही हैं। इसके केंद्र भाव में पहली यानी कि एरीज, चौथी यानी कि कैंसर, सातवीं यानी कि लिब्रा और दसवीं यानी कि मकर कैप्रिकॉन, वो राशियां आती हैं। अब यू हैव टू कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड कि हमने नवमांश की काउंटिंग विल ऑलवेज 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 बिगिन फ्रॉम कालपुरुष के केंद्र भाव से, यानी एरीज से होगी या आपके कैंसर से होगी या लिब्रा से होगी या कैप्रिकॉन से होगी। अब आइए, अब इसको देखने का तरीका क्या होता है कि तत्व के हिसाब से हम देखते हैं। हमें मालूम है जो अग्नि तत्व राशियां हैं यानी जो फायरी साइंस हैं वो है 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 में काउंटिंग हमेशा एरीज से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं कि नियम ये कहता है कि जो काल पुरुष की कुंडली है उसके केंद्र भाव में जो राशियां पड़ रही हैं 1, 4, 7 और 10 वहीं से काउंटिंग होगी और किसी राशि से काउंटिंग नहीं होने वाली। तो बस चूंकि आपने इसको बैक ऑफ द माइंड रखा है उसी को निकाल के ले आइए। अब फायरी साइंस है 1, 5 और 9, द काउंटिंग वुड स्टार्ट फ्रॉम एरीज यानी कि 1 नंबर से शुरू होगा। अब उसके बाद फिर अर्धी साइंस आते हैं 2, 6, 10। 2, 6, 10 में केंद्र में जो कालपुरुष की कौन सी राशि पड़ रही है 10 नंबर की यानी कि मकर से वहां काउंटिंग शुरू होगी। फिर एरी साइंस है 3, 7 और 11, उसमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? जो कालपुरुष के केंद्र में पड़ रही है वो है लिब्रा यानी वहां 7 नंबर से काउंटिंग शुरू होगी। और उसके बाद वाटरी साइंस आ गए 4, 8 और 12, उनमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? कालपुरुष का 4th हाउस में कैंसर राशि पड़ती है यानी कि 4 से शुरू होगी। अब मैं आपके सामने शेयर करता हूं जिससे आपको ये बात, हम एक हॉरोस्कोप का एग्जांपल लेंगे नवमांश कैलकुलेशन का, तो इससे आपको चीज ज्यादा पकड़ में आ जाएगी। आज की क्लास में हमने ये करना है कि आप इसे, अगर आप लोगों को सब अच्छी तरह से आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, आप में से एक भी अनम्यूट करके बता दे अगर वो स्क्रीन दिख रहा है सबको, तो उसका मतलब सभी को दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। थैंक यू सो मच। अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट नवमांशा। नवमांशा में जो बात मैंने आपको बताई कि ये 1/9 है 30 डिग्री की राशि का, इसका मतलब 3 डिग्री 20 मिनट का है। इसका मतलब नौ नवमांशा एक हाउस या एक राशि में होंगे, तो टोटल जो है 108 नवमांशा है। एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का है जिसके 4 चरण है, तो टोटल नक्षत्रास में 27 का मतलब है कि इसको 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चरण का नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, तो 108 चरण आ गए इन नक्षत्रास। तो यानी कि ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए मैंने आपको, अब आप राइट साइड में देखिएगा जो रेड पेन से लिखा है वो मैंने आपको बताया कि पहला नियम क्या है कि केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 काल पुरुष की कुंडली में जो कि एरीज असेंडेंट की है, तो यही भाव राशियां भी हैं। अब सेकंड नियम क्या है कि नवमांश की जो काउंटिंग होती है हमेशा इन्हीं राशियों से होती है। अब मैंने कालपुरुष की कुंडलियों में यहां पे लिख दिया है, ये देखिए जो फायरी साइंस हैं यानी अग्नि तत्व राशियां हैं वो है 1, 5 और 9, तो आप देखिए इसमें फायरी एफ लिखा हुआ है। इसमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? यहां पे रेड पेन लगा यानी 1 नंबर से, इसका मतलब एरीज से काउंटिंग शुरू होगी। 1 नंबर, ये 1 फर्स्ट हाउस की बात नहीं हो रही है, ये फर्स्ट नंबर
मैंने आपको बताया भाव इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद दी साइन व्हिच इज फॉलिंग इन दैट कालपुरुष कुंडली, यानी हम यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं, राशियों की बात कर रहे हैं। एक नंबर का होता है एरीज हो गया, तो जहां एफ लिखा है ये आपकी अग्नि तत्व राशियां हैं जो कि 1, 5, 9 है। इसमें काउंटिंग जो है 1 से शुरू होगी यानी कि एरीज से होगी। और वॉटरी साइन है 4, 8 and 12, तो उसमें देखिए डब्लू 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 मैंने ये लिखा है, इसमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? कैंसर से। इसको आप अपने, अगर आप लोगों के पास पेन हो पेपर हो, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो ये आपके लिए इजी होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। वॉटरी साइन में जो काउंटिंग शुरू होगी वो कैंसर राशि से शुरू होगी। अब इसके बाद मैंने यहां लिखा है जो एरी साइन है वो है 3, 7 and 11। आप देखिए एरी में ए लिखा हुआ है, इसमें काउंटिंग कहां से शुरू होगी? 7 नंबर या लिब्रा से। अब उसके बाद लास्ट में आते हैं आपके अर्धी साइंस है 2, 6 and 10। 2, 6 इनमें देखिए ई लिखा हुआ है अर्धी साइंस, इसमें काउंटिंग कहां से होगी? जहां रेड पेन लगा है यानी कि केंद्र में जो राशि पड़ी है वो है मकर, मकर से होगी। अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब काउंटिंग की जो जरूरत पड़ी वो क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स के लॉन्जिट्यूड्स हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, देखना होगा कि पहला जो नौमांशा है, फर्स्ट नौमांशा कहां से कहां तक है? 0 degree से लेकर 3 degree 20 minute तक पहला नौमांशा हुआ। सेकेंड नौमांशा कहां होगा? आप 3 degree 20 minute आप जोड़ते जाइए, सेकेंड नौमांशा एंड्स एट 6 degrees and 40 minutes। 3 degree 20 minute में 3 degree 20 minute आपने जोड़ दिया तो 6 degree 40 minute आ गया। अब थर्ड नौमांशा में फिर आप 3 degree 20 minute अगर आप उसको जोड़ते हैं तो 20 मिनट जोड़ा तो वो 60 मिनट्स आ गया। 60 मिनट्स इज कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री, तो 6, 3, 9 और 1, 10, तो 10 डिग्री पे थर्ड नौमांशा एंड होता है। फिर फोर्थ नौमांशा में 3 degree 20 minute आप जोड़ दीजिए तो ये एंडिंग जो है डिग्रीज हैं। चौथा नौमांशा 13 degree 20 minute का हुआ, पांचवा नौमांशा 16 degree 40 minute का हुआ, 3 degree 20 minute हम जोड़ते हुए जा रहे हैं। और जो छठा नौमांशा है वो है 20 degree का। फ्रेंड्स, जब मैं आपकी तरह से बिगिनर था तो याद करने के लिए मैं एक तो एक्रोनिम्स बनाता था, यानी कहने का मतलब है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बनते हैं, यानी कहने का मतलब है मुझे पूरे बॉडी के सिस्टम्स का, तो मैं फर्स्ट उसका अल्फाबेट लेके उसे याद कर लेता था। जैसे राहुल काल अगर मुझे याद करना है तो मदर सॉ फादर वियरिंग दी ट्वीट सूट, तो मतलब मदर का मतलब हो गया मंडे सौ, तो मतलब इस तरीके से मैं इसको बनाता था कि उसमें सैटरडे, तो मतलब वो 7:30 से 9 राहु काल हो गया, फिर 9 से 9:30 इस तरीके से, फादर वियरिंग द ट्वीट सूट, तो इस तरीके से मैं कुछ अपने मेमोरी एड्स वगैरह बनाता था। उसी तरीके से मेमोरी एड आप इसमें ये बना सकते हैं कि पहला नौमांश एंड हो रहा है 3 degree 20 minute पे, और थर्ड नौमांश एंड हो रहा है 10 degree पे, और छठा नौमांश एंड हो रहा है 20 degree पे। अब आपको सपोजिंग किसी व्यक्ति ने आपको प्लेन में बोला कि मेरा जो फलाफल प्लैनेट जो है या सूर्य मेरा 23 degree 20 minute का है, आपके लिए बड़ा इजी होगा टू रिमेम्बर कि यार मैंने तो याद किया था छठा नौमांश एंड सेट 20 degrees और 3 degree 20 minute का एक अगला नौमांश होगा, तो इसका मतलब इनका जो सन है चूंकि वो 23 degree 20 minute का है तो वो 7th नौमांश का है। और जैसे ही उसने आपको राशि बता दी कि साहब उनका, उन्होंने कहा साहब मेरा सूर्य जो है वो वॉटरी साइन में है या मेरा सूर्य जो है 4 number पे है, तो आप समझ गए वॉटरी साइन में काउंटिंग कहां से शुरू होती है, या देखिए कर्क राशि से होती है, तो आपने कर्क राशि से आपने उसको 7 चला देना है आगे। तो कर्क से आप 7 कैसे चलाएंगे? कर्क राशि से आप यहां से काउंट करना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके सामने वाली राशि जो है वो 7th राशि होगी, 7th नौमांश जो आपने चलाना है। और चूंकि सन जो है वो वॉटरी साइन में है, यानी वो वॉटरी साइन में, चाहे उसका सन जो है 4 number पे हो, कैंसर पे हो, स्कॉर्पियो पे हो या पाइसेस में हो, अगर वो आपको बस इतना बता दे कि किस साइन में है तो आप समझ जाएंगे वॉटरी साइन है। 4, 8, 12
इसका इनका जो सन है वो 4812 का है, और आपने ज्ञात कर लिया है कि तीसरा नौमांश खत्म हो रहा है 10 डिग्री पे और छठा नौमांश खत्म हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ना गाड़ी में बैठे बैठे आप जो है नौमांशा कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, आपको किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी, और जब आप समझ जाएंगे इस बात को तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। और आपको आश्चर्य होगा भारतीय विद्या भवन में जिस समय इस तरह से नौमांशा कैलकुलेशन का आया था तो मैंने वो लॉन्गर मेथड नहीं किया, मैंने इस मेथड से किया, मुझे पूरे मार्क्स मिले, मेरे उसमें कई पेपर्स में डिस्टिंक्शंस आए थे। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि जो टीचर्स अच्छे टीचर्स होते हैं वो अच्छे नियमों के साथ में वाकिफ होते हैं, उनको मालूम होता है अच्छे नियम। और ये नियम भी ऐसा नहीं है कि कोई मैंने इजाद किया है, ये नियम भी दिस इज ऑल्सो इन वोक बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट अप। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो छात्र हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो ईजिएस्ट वे में सब्जेक्ट को लर्न करें और ईजिएस्ट वे में अपने रिजल्ट्स को निकालें। और मैं आपको बहुत इजी वेज में आपको रिजल्ट्स निकालने का मेथड आगे की क्लासेस में भी समझाने जा रहा हूँ। तो आपने याद किया करना है कि फर्स्ट नौमांशा इज गोइंग टू अर्न एंड एट 3 degrees and 20 minutes, थर्ड नौमांशा इज गोइंग टू एंड एट 10 degrees, और सिक्स्थ नौमांशा विल एंड एट 20 degrees, नाइन्थ नौमांशा एंड्स एट 30 degrees। ये आपने चार माइल स्टोन आपने याद कर लिए कि पहला नौमांशा 3 degree 20 minute पे खत्म होगा, तीसरा नौमांशा 10 डिग्री पे खत्म होगा, छठा नौमांशा 20 डिग्री पे खत्म होगा और नवा नौमांशा 30 डिग्री पे खत्म होगा। अब सपोजिंग किसी का बीच में आ गया तो आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं एग्जांपल कुंडली पे। ये सब ये आपके ये एग्जांपल चार्ट है, ये है, ये सज्जन है, इनका नाम है एक्स वाई जी, इनके डेट ऑफ बर्थ है, ये आप नोट कर लीजिए 16th of September 1968। ये सज्जन जो है मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं विद ए एनुअल पैकेज ऑफ 3 crores और ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल गाय। लेकिन इनके नाम को हम आप एक्स वाई जी लिखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ है 16th of September 1968, 10 AM रामपुर की पैदाइश है, यानी कि यूपी में रामपुर में ये पैदा हुए हैं 10 बजे सुबह। अब आपको ये कुंडली आपको दिखाई पड़ी है, ये तुला लग्न की कुंडली है। इस तुला लग्न की कुंडली में सामने सप्तम भाव में शनि नीच के बैठे हैं, राहु इनके छठे हाउस में है, चंद्रमा इनके 9th हाउस में है, सूर्य मंगल और गुरु ये इनके 11th हाउस में है, लियो में है यानी कि सिंह राशि में है, केतु बुध और शुक्र इनके जो शुक्र इनके नीच के हैं क्योंकि इनके लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं, ये 12th हाउस में है। अब डीवन चार्ट कितना आपको गुमराह भी करता है, देखिए क्या किसी पंडित के पास जब ये कुंडली गई होगी, जिस पंडित ने नौमांश ना देखा हो उसने क्या बोला होगा, उसने कहा होगा वो ये बालक लग्नेश नीच का हो गया, लग्नेश इसका नीच का है 12वें भाव में। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये सज्जन जो है इंजीनियर हैं बाय क्वालिफिकेशन और थ्रू आउट टॉपर हैं, यूपी बोर्ड में 12th में इनकी पोजीशन आई थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी के 12th में, और इसके अलावा मर्चेंट नेवी में पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हो गया, और इन्होंने काफ़ी कोर्सेस किए हैं फायर पे, फायर सेफ्टी पे और दूसरे जो भी डेक में और इंजीनियरिंग से संबंधित मर्चेंट नेवी में कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़ी छोटी उम्र में ये चीफ इंजीनियर बन गए थे, इसीलिए आज एक ऑयल टैंकर पे ये चीफ इंजीनियर हैं, इनकी सैलरी 3 crores है और अभी इनको 3 crore का इनको 6 साल उस कंपनी में पूरा करने की वजह से उनको 3 crore रुपए का बोनस उनको दिया गया था एडिशनल इन दी ईयर बिफोर लास्ट। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो डीवन चार्ट है ना वो कई बार आप लोगों को काफ़ी गुमराह करेगा, तो आप डीवन चार्ट पे ही आपने अपने आप को बेस नहीं करना, आपने D9 चार्ट भी स्टडी करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपको डिग्रीज पता होनी चाहिए, तो इनका जो असेंडेंट है वो लिब्रा की डिग्री है 18 degree 22 minute। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, 18 degree 22 minute का मतलब क्या है, 20 degree पे आपका छठा नौमांश खत्म होता है,
पांचवा आपका खत्म होता है 16 डिग्री 40 मिनट पे, तो 16 40 और 20 के बीच में है, तो इसका होता है छठा नवमांश है। तो आपने देख लिया कि 18 डिग्री 22 मिनट पे जो इनका एसेंडेंट है वो 6 नवमांश का है, सूर्य इनका 29 डिग्री और 47 मिनट का है तो उसका होता है 9th नवमांश का है, क्योंकि आप देखिए 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक 9th नवमांश है। चंद्रमा इनका 14 डिग्री और 36 मिनट का है, तो आप यहाँ देखिए 4th नवमांश एंड कर रहा है 13 डिग्री 20 मिनट पे और 5th नवमांश एंड कर रहा है 16 डिग्री 40 मिनट पे, और ये चंद्रमा इनका 14-36 का है तो कौन से नवमांश का हुआ, पांचवे का। इसी तरह से मंगल इनका 3 डिग्री और 1 मिनट का है, तो पहला नवमांश जो है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है, इसका होता है पहले नवमांश का है। बुध इनका 25 डिग्री और 44 मिनट का है, तो मैंने आपको बताया था छठा नवमांश हमारा खत्म होता है 20 डिग्री पे, और 20 डिग्री के बाद में आप ये देखिए कि सातवां नवमांश खत्म हो रहा है 23 डिग्री 20 मिनट पे, और आठवां नवमांश जाके खत्म हो रहा है 26 डिग्री 40 मिनट पे, और इनका बुध है 25 डिग्री 44 मिनट का, तो कौन से नवमांश का हुआ, आठवें का। तो यानी कि एर्थ नवमांश में इनका बुध पड़ गया। इसी तरीके से जो गुरु इनका है 24 डिग्री 29 मिनट, तो एर्थ नवमांश कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक है, इसका मतलब है कि जो इनका गुरु है वो भी एर्थ नवमांश का है, और शुक्र इनका 23 डिग्री 34 मिनट का है, तो इसका मतलब 23 डिग्री 20 मिनट के बाद है, 23 डिग्री 34 मिनट का, तो फिर एर्थ नवमांश में आ गया। शनि इनका 0049 मिनट्स का है, तो इसका मतलब पहले नवमांश का है, और जो राहु इनका है 16 डिग्री 20 मिनट का है, तो आप ये देखिए 16 डिग्री 20 मिनट का मतलब है पांचवा नवमांश खत्म होता है, पांचवा नवमांश जो खत्म हो रहा है वो 16 डिग्री 40 मिनट में खत्म हो रहा है, तो इनका जो बुध है वो नहीं, बुध की बात नहीं हो रही है, ये राहु की बात हो रही है, 16 डिग्री 20 मिनट की बात हो रही है राहु की। मैं रमेश साहब एक मिनट लेता हूँ, जरा इसको कंप्लीट करूं। 16 डिग्री 20 मिनट का मतलब है कि वो 16:40 पे पांचवा नवमांश खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो राहु है ना फिफ्थ नवमांश के होंगे, और केतु भी चुके 16 डिग्री 20 मिनट के, तो फिफ्थ नवमांश के हैं। अब आपको क्या करना है, आपने एक इसी तरीके से, हाँ अब इसके पहले हम कुछ बुक करें, रमेश साहब अपने आपको आप अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। सर जो आप बता रहे हैं जैसे कि फिफ्थ नवमांश का है, कोई फोर्थ नवमांश का है, वो चीज मुझे अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, या फिर शायद हो सकता है अगले चार्ट में क्लियर हो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको रमेश साहब ऐसा है, देखिए 30 डिग्री की आप हाँ बोलिएगा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आपको। हाँ जी सर जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। जैसे आप ये देखिए 30 डिग्री की राशि को हमने कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में, यानी कि एक नवमांश है 3 डिग्री 20 मिनट का। अब आप क्यों समझ लीजिए, अब मेरे हाथ को देखिए कि जैसे सपोज ये राशि है, और इस राशि में पहला नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट, दूसरा नवमांश 6 डिग्री 40 मिनट वहां जाके एंड कर रहा है, तीसरा नवमांश 10 डिग्री, चौथा नवमांश 13 डिग्री 20 मिनट, पांचवा नवमांश उसमें 16 डिग्री 40 मिनट, छठा नवमांश 20 डिग्री, उसके बाद सातवां नवमांश 23 डिग्री 20 मिनट, और आठवां नवमांश 26 डिग्री 40 मिनट, और नवा जो नवमांश है वो 30 डिग्री पे जाके खत्म हो रहा है, यानी 26 40 पे। अब सपोज कोई प्लैनेट है वहां पे, उस राशि के अंदर एक प्लैनेट बैठा हुआ है, उस प्लैनेट का जो लॉन्जिट्यूड है वो लिखा होता है, वो आपको मालूम है, जैसे इनके प्लैनेट्स के लॉन्जिट्यूड्स लिखे हुए हैं, साइडीरियल लॉन्जिट्यूड्स लिखे हुए हैं, तो आपको मालूम है कि अब सपोज उसका उनका कोई भी प्लैनेट अगर 16 डिग्री 40 मिनट के बाद और 20 डिग्री से पहले है, तो आप समझ जाएंगे कि 16 डिग्री 40 मिनट के बाद मतलब 16 डिग्री 40 मिनट पे पांचवा नवमांश खत्म होता है और छठा नवमांश खत्म होता है 20 डिग्री, तो उसका मतलब कौन से नवमांश पे फॉल कर रहा है, वो छठे नवमांश पे फॉल कर रहा है, क्योंकि जो छठा नवमांश है वो 16:40 से शुरू होके 20 डिग्री पे जाके एंड कर रहा है। तो इस राशि के अंदर ये प्लैनेट, अभी तक क्या होता था कि आपने कभी कोई लॉन्जिट्यूड लिखे नहीं थे प्लैनेट्स के, आपने कुंडलियां देखी तो आपने, अगर आपने हाथ से कोई कुंडली बनाई तो आपने सपोज गुरु जो है कर्क के हैं, तो आपने गुरु को कर्क में 4 नंबर पे पोस्ट कर दिया, उसके ऊपर डिग्री नहीं लिखी। डिग्री अगर आप लिख देते
तो आप फिर, और अगर आपने राशि को 9 भागों में बांटा होता और डिग्री लिखी होती तो आप उस वाले फलक पे उस गुरु को लिखते जिस नवमांश में फॉल कर रहा है। अब आपको ये क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, काफी क्लियर हुआ है। और कुछ कुंडली के अंदर तो, जैसे हम कंप्यूटराइज कुंडली निकालते हैं तो उसके अंदर तो लिखा होता है जी उस प्लैनेट की डिग्री भी, बिल्कुल। लेकिन ये जो फर्स्ट नवमांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, ये मेरे ख्याल से जो इसका नवमांश कुंडली बनेगी उसमें आएगा ना सर? हाँ, अगले चार्ट में क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ठीक। वैसे रमेश साहब, ऐसा है कि ये निकलेगा वैसे D1 से, यानी कहने का मतलब है कि ये जो नवमांश की, जो नवमांश का जो स्पैन है ना, वो 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो ऐड होता जा रहा है। 3 डिग्री 20 मिनट का एक है, दूसरा 6 डिग्री 40 मिनट पे खत्म होगा, 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, तो उसका दूसरा नवमांश 6:40 पे हो गया। फिर उसमें 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ दिया तो 10 डिग्री पे तीसरा नवमांश समाप्त हुआ। फिर उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट पे चौथा। तो इस तरीके से आपने 30 डिग्री की एक राशि को 9 भागों में बांटा हुआ है। अब जो आप प्लैनेट की जो डिग्री है ना, जो सॉफ्टवेयर में, वो बीच में लिख देते हैं प्लैनेट को, ऊपर डिग्री डाल देते हैं। अब आप यूं समझ लीजिए कि राइट तरीका क्या होना चाहिए। राइट तरीका होना चाहिए, अगर वो प्लैनेट अगर 3 डिग्री 20 मिनट तक में जाके उसकी डिग्री है प्लैनेट की, तो ना राशि की शुरुआत में लिख देना चाहिए उसको। और अगर प्लैनेट 29 डिग्री का है या 28 डिग्री का है, तो 9वें नवमांश का है, तो ना बिल्कुल राशि के अंत में उसको पोस्ट लिखना चाहिए। लेकिन उसमें वो क्या होगा, उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी कुंडली की। आप समझिए मेरी बात की, एक प्लैनेट को अगर वो डिग्री के हिसाब से नवमांश में बांटते हुए, उसका नाप के हिसाब से अगर वो प्लैनेट को चार्ट में अगर भरने लगेंगे सॉफ्टवेयर्स, तो वो काफी मतलब एक हैफजर्ड टाइप की वो कुंडली दिखाई पड़ेगी। कहीं तो प्लैनेट को बिगनिंग में लिखा है, कहीं बिल्कुल एंड पे लिखा है। लेकिन आप चूंकि ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और आपने नवमांश खुद कैलकुलेट करना है, तो आपको वो, आपके लिए वो डिग्रियां बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो उस डिग्री के हिसाब से आप समझ जाएंगे ये इस वाले नवमांश में ये प्लैनेट फॉल कर रहा है। अब देखिए, जो मेथड है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन आप लोग चूंकि शुरुआत के हैं इसलिए मैंने इसको बनाने का तरीका यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सारे लिखने हैं एसेंडेंट। आज आप ऐसा कीजिएगा, घर जाके मतलब आप घर में ही बैठे हुए हैं, मेरा मतलब है कि आज तो शायद आपको इतना समय ना मिले, कल या परसों जब भी मौका मिले आपको, तो आपने बच्चे की हॉरोस्कोप ले लीजिएगा। क्योंकि आप अपने बच्चे की हॉरोस्कोप लेके ना उसके आप खुद नवमांश बनाइएगा। आप उसके इसी तरह से एक चार्ट बना लीजिएगा, उसमें आपने असेंडेंट लिखा या लग्न, उसकी डिग्री लिख ली 18-22, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये आप इस तरीके से लिख लीजिए। उसके आगे उनकी डिग्रीज जो दी है वो डिग्रीज लिख लीजिए। अब आपने क्या लिखना है कि फायरी, वॉटरी, एरी एंड अर्दी। ये सीक्वेंस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फायरी साइंस जितने भी हैं, ये आप देखिए इधर फायरी साइंस में जो है, देखिए वो सीक्वल आ जाता है, वो एक सीक्वेंस आ जा रहा है। फायरी साइंस में जो है काउंटिंग शुरू हो रही है एरीज से, वॉटरी साइन में कैंसर से, एरी साइन में लिब्रा से, और अर्दी साइन में कैप्रिकॉन से। इसलिए मैंने उस ऑर्डर को इस तरीके से लिखा है कि ऊपर मैंने लिखा विच राशि, फायरी, वॉटरी, एरी, अर्दी। अब आप असेंडेंट को देखिए, लेट अस गेट टू दी असेंडेंट। असेंडेंट आपका है तुला, तो तुला कौन सी हो गई, एरी साइन, तो उसके नीचे आप एरी लिख देंगे ए। काउंटिंग बिगिंस, इसमें काउंटिंग कहां से शुरू होती है एरी में, 7 नंबर से, यानी लिब्रा से। अब सन आप देखेंगे तो आप कुंडली पे वापस जाएं तो सन कहां पे है, सन इनका है 5 नंबर पे, यानी कि फायरी साइन पे, तो आप लिखेंगे के फायरी लिख देंगे उसके आगे। विच राशि में आप सन के आगे आपने लिख दिया फायरी। काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम एरीज, आप फायरिंग में देखिए एरीज से काउंटिंग शुरू हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे इनका मून, मून कहां पे है इनका, इनका मून है 3 नंबर पे, 3, 7, 11, ये क्या है, एरी साइंस है, तो आपने यहां लिख देना है मून के आगे एरी साइन। काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम लिब्रा विच इज 7। इसके बाद आपने मंगल, मंगल इनका कहां पे है, मंगल आप देखिए इनका मंगल है 5 नंबर या लियो पे, लियो क्या है, फायरी साइन है, और फायरी साइन में देखिए काउंटिंग कहां से शुरू हो रही है, एरीज से, तो आपने वापस वहीं पे जाके आपने लिखना है
कि मून के आगे इसके मंगल के आगे आपने लिखना है फायरी, काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम एरीज ऑन वन। अब देखिए इतने से आपको बाकी सारा का सारा समझ में आ जाएगा। अब लेट अस नाउ गेट टू कैलकुलेटिंग दिस। अब आपने ये देखना है इन डिग्रीज के अनुसार आपने लिखना है, आपने यहां से उतार लेना है जो आपने नौमांश लिखे थे। आपने देखा कि एसेंडेंट जो लिब्रा है वो कौन से नौमांश का है, छठे छठे नौमांश। आपने सन लिखा, सन में आपने क्या लिखा है, नाइन नौमांश का है, नाइन्थ आपने लिख लिया। उसके बाद आपने जो इनका नेक्स्ट है यानी कि मून है, मून आपने, मून इनका जो है वो कौन से नौमांश का है, मून इनका फिफ्थ नौमांश का है। मंगल इनका फर्स्ट नौमांश का है, मरकरी जुपिटर वीनस एट नौमांश का है। तो आप देखिए वैसे ही आपने लिख लेना है कि मार्स इनका फर्स्ट नौमांश का है, मरकरी जुपिटर वीनस एट्थ नौमांश के हैं, सैटर्न फिर इनका आपने यहां से उतारा, सैटर्न का फर्स्ट नौमांश का है, राहु और केतु फिफ्थ नौमांश के हैं। इसको आप एज इट इज यहाँ पे पोस्ट कर लीजिए कि मरकरी जुपिटर वीनस इनके एट्थ नौमांश के हैं, सैटर्न के फर्स्ट नौमांश के हैं, राहु और केतु जो है फिफ्थ नौमांश के हैं। अब देखिए अब हम कुंडली पे आते हैं। आपने सुमित आपने हाथ उठाया है, बोलिए। सर मेरे को बाकी कैलकुलेशन तो पूरी क्लियर है, मेरे को ये चीज का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ये जो फिक्स्ड है, ये नियम जो है कि लग्न नवमांश कुंडली के लग्न की कैलकुलेशन जो है वो काल पुरुष की इन पर्टिकुलर राशि से डिपेंडिंग ऑन क्या कौन सी तत्व की राशि है वो उससे होगी, इसका इसके पीछे का कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा। क्या ये सिर्फ एक नियम है या इसके पीछे कोई लॉजिक है जिसकी वजह से ये इसी पैटर्न में डिसाइड हुआ है, ये आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प दिस। एक बात आप एक बात बताइए सुमित, क्या लॉजिक है कि मंगल की कुछ प्लैनेट्स की स्पेशल दृष्टि है, जैसे शनि है, शनि की थर्ड एंड टेंथ दृष्टि है, मंगल की फोर एंड एट है जी, और इसी तरीके से गुरु की, राहु की, केतु की पांच और नौ है स्पेशल दृष्टियां सेवंथ के अलावा। अब इस बात का एंग्लो सेक्शन में लैंग्वेज की जब शुरुआत हुई उसका क्या लॉजिक है कि ए फॉर एप्पल है और जीव्स का बिल्कुल लास्ट 26 अल्फाबेट है, क्या लॉजिक है? कुछ चीजें ऐसा है ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं, ये जो मैंने आपको बताया ये दिस इज एक्चुअली नॉट बीइंग इवॉल्वड आउट ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट। क्लासिकल टेक्स्ट में तो क्लियर कट है कि अगर आपकी केंद्र की राशियां हैं, मतलब अगर 147 एंड 10 अगर केंद्र भाव की राशियां हैं, अगर यानी कि उसमें जो काउंटिंग है वो 1 से शुरू होगी, और अगर पड़फर राशियां हैं तो पड़फर में जो है 9th से काउंटिंग शुरू होगी, और अपोक्लिम है यानी कि कैडेंट हैं, सक्सीडेंट्स हैं तो उनमें 9th से होगी, और कैडेंट्स हैं तो उनमें जो है वो 5th से काउंटिंग शुरू होगी। वो तो क्लासिकल टेक्स्ट ने, अब उसमें क्या लॉजिक है कि मतलब उसमें पड़फर में 2, 5, 8, 11 में 9th से क्यों हम काउंट करें, मतलब बेसिकली इसको एक नियम मान के हम लोग चले आगे, ये एक फैक्ट एस्टैब्लिश्ड है इसको लेके चले। हाँ ये एक नियम है और इस नियम को कॉरस्पॉन्ड किया गया है क्लासिकल टेक्स्ट के नियम से, यानी ज्योतिष में जो कंटेम्प्ररी राइटर्स हैं उन्होंने एक आपको एक शॉर्टकट बना के दे दिया, शॉर्टकट कि मतलब जैसे मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि भाई महादशा अंतर्दशा को निकालने का, कि वो महादशा का जो ईयर है अंतर्दशा ईयर कैलकुलेट करके, और आपने उसका जो है आपने इस तरीके से आपने क्विकली आपने उसको कैलकुलेट कर दिया। देखिए हमारा जो गोल पोस्ट है ना वो हम टाइम मैनेजमेंट के साथ में चलना चाहते हैं, अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम हॉरोस्कोप की रीडिंग की बात कर रहे हैं। जो जितने हम टूल जितने टूल्स को हम सिंप्लीफाई करके उनको अप्लाई कर सकें एंड दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द क्लासिकल टेक्स्ट, तो उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ये गॉट इट सर, थैंक यू। अब आप देखिए अब आपने क्या करना है, अब इस चीज को आपने बड़े गौर से देखना है, आप सभी लोग इसको आपने काफी गौर से आप देखिएगा कि जो एसेंडेंट है वह एसेंडेंट चूंकि एरी साइन है जहां पे काउंटिंग लिब्रा से शुरू होती है और वो 6 नौमांश चलाए, तो उसका मतलब यहां लिब्रा से आपने काउंटिंग शुरू करनी है और 6 चलाना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उनका नौमांश क्या राइज करेगा, 12 नंबर का,
यानी कहने का मतलब मीन का रोमांच आ गया, आप इधर देखें ये मीन आ गया, मीन का रोमांच आ गया, तो आपने नवमांशक को पोस्ट कर लिया, मतलब नवमांशक में 12 नंबर आपने पोस्ट कर दिया क्योंकि मीन का है, तो आपको मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो प्रोग्रेसिव वे में राशियां लिखी जाती हैं, तो अगर 12 का ये है तो सेकंड हाउस में एरीज आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से आपने नवमांश को कवर कर लिया। सीमा जी जो हैं वो थोड़ा चिंतित लग रही हैं, तो सीमा जी आप बोलिए क्या चीज नहीं समझ में आई। सर ये नवमांशक का एक और बार बता दीजिए जो असेंडेंट डिसाइड किया, जस्ट अभी अभी आपने किया जो। सीमा जी एक बात, इस बात को गौर करिएगा कि जो नवमांशा है हमने उनका जो असेंडेंट है वो 18 डिग्री 22 मिनट का है, और वो हमने देखा कि फायरी वाटरी एरी एंड अर्दी में से कौन सा है, तो 3, 7, 11 जो होते हैं वो एरी साइंस होते हैं, तो आप देखिए 7 नंबर का असेंडेंट है तो एरी साइन है, तो एरी साइन में काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, लिब्रा से, यानी कि 7 नंबर से, यानी काउंटिंग आपने यहीं से करनी है। और नवमांश कौन सा है, ये 18 डिग्री 22 मिनट छठा नवमांश है, हमने यहाँ निकाला है कि ये डिग्री 18 डिग्री 22 मिनट, तो ये छठा नवमांश है। मैं आपको नवमांशा टेबल में दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए 18 डिग्री 22 मिनट का मतलब है 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में, ये 16 डिग्री 40 मिनट पे पांचवा नवमांश खत्म हो जाता है और छठा खत्म होता है 20 डिग्री पे, और ये 18 डिग्री 22 मिनट का है तो उसका मतलब इसके बीच में है तो छठा नवमांश है ये। अब आपने इसको 6 नवमांश आपने चलाना है, तो आप कैसे चलाएंगे, आपने इसी से काउंटिंग शुरू करनी है लिब्रा से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो छठा नवमांशा कहाँ पे जाके रेस्ट करेगा, 12 नंबर पे, यानी कि पाइसेस पे, तो पोस्टेड कहाँ होगा, पाइसेस पे। अब इसके बाद आप देखिए सन है, जैसे ही आप उसे पाइसेस पे का नवमांशा का चार्ट बनाएंगे तो आपको फिर मालूम है कि जो चार्ट्स बनते हैं वो अर्थमेटिकली प्रोग्रेस्ड वे में बनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर 12 नंबर का चार्ट है तो सेकंड भाव में 1 नंबर आ जाएगा, थर्ड भाव में 2 नंबर आ जाएगा, फोर्थ भाव में 3 नंबर आ जाएगा, ये आप लोगों को मालूम है, तो आपने पूरा चार्ट बना दिया। अब चार्ट में यहाँ पे ऊपर आपने असेंडेंट लिख दिया, तो उसका मतलब नवमांश का जो असेंडेंट है वो 12 नंबर है। अब इसके बाद सन पे आते हैं, इनका सन जो है वो है 11th हाउस में, 11th हाउस में 29 डिग्री और 47 मिनट का है, तो ये कौन सा साइन है, फायरी है, 5 नंबर, 1, 5, 9 फायरी होते हैं, फायरी में काउंटिंग एरीज से शुरू होगी। नवमांश कौन सा है, ये 9th नवमांश है, 9th नवमांश को आप इधर देखिएगा, ये देखिए नवमांशा जो 9th है वो कहाँ से कहाँ तक है, 26, 40 से 30 डिग्री का है, तो ये 9th नवमांशा का सूर्य है। तो अब आपने एरीज से सूर्य को आपने यहां से काउंट नहीं करना, एरीज से काउंट करना, क्योंकि फायरी साइन है, फायरी साइन में काउंटिंग एरीज से शुरू होगी। एरीज से कितना काउंट करना, आपने 9 काउंट करना है, एरीज के सामने वाली जो राशि है वो कौन सी है, 7th है, आप काउंट करके देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 है, इसके आगे 8 है और फिर 9 है, तो उसका मतलब कहां पोस्ट होगा, सैजिटेरियस में, तो ये सन इनका सैजिटेरियस में पोस्ट हो गया, तो आप देखिए यहां पे सैजिटेरियस में सन को पोस्ट कर दिया गया, ये देखिए सन को हमने सैजिटेरियस में पोस्ट कर दिया। अब देखिए अब आइए आप मून पे, मून कहां पे है, मून इनका है, ये देखिए मून इनका जो है 3 नंबर पे बैठा है, 3 नंबर का मतलब क्या हुआ, 3, 7, 11 एरी राशियां हैं, तो यहां लिखा है मून के सामने एरी, एरी में काउंटिंग कहां से होती है, ये देखिए एरी में काउंटिंग 7 नंबर या लिब्रा से होती है, तो काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम लिब्रा। और नवमांश कौन सा है, 14 डिग्री 36 मिनट का, ये देखिए हमने पहले नवमांश कैलकुलेट किया था मून का, मून का नवमांश जो है वो पांचवा है, 14 डिग्री 36 मिनट का, ठीक है, तो 5 नवमांश वो चलेगा मून, लेकिन काउंटिंग कहां से शुरू होगी, एरी साइन होने की वजह से लिब्रा से काउंटिंग शुरू होगी। अब मून को जो आप चलाएंगे वो लिब्रा से काउंट करेंगे, और कितना काउंट करेंगे, 5, क्योंकि उसका नवमांश कितना चल रहा है, 5 नवमांश का मूवमेंट है उसका, तो यहां से 5 कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5
इसका मतलब वो कहां पोस्ट होगा? एक्वेरियस में। आप समझ गए, एक्वेरियस राशि में जाके वो पोस्ट होगा। अब आप देखिए मंगल पे आप आइए, मंगल जो है इनका है 3 डिग्री और 1 मिनट का, और मंगल इनका कहां पे है? लियो में। लियो कौन सी राशि है? फायरी साइन है। फायरी साइन में काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 नंबर से, एरीज से। तो आप देखिए मंगल के सामने लिखा है फायरी, एरीज और 1 नंबर। 1 नंबर यानी एरीज से काउंटिंग शुरू होगी। और ये नवमांशा कौन सा है? पहला जो नवमांशा है वो 3 डिग्री 20 मिनट पर जाके समाप्त होता है, तो ये पहला नवमांश है। तो एरीज से अगर आप पहला काउंट करेंगे तो काउंटिंग वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। 1 नंबर का मतलब है वो एरीज में ही पोस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए कि जो इनका मार्स है वो एरीज में जाके पोस्ट हो गया। अब मरकरी है इनका 2544। मरकरी देखिए 2544 का मतलब है कि मरकरी की प्लेसमेंट आप देखिए कहाँ पे है? 6 नंबर पे। इसका मतलब अर्धी साइन है। और आप इधर देखिए अर्धी साइंस में ई में क्या है, कहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है? मकर से यानी कैप्रिकॉन से। और जो मरकरी की जो डिग्री है 25 degrees and 44 minutes, मरकरी जुपिटर वीनस तीनों जो है 8वें नवमांश के हैं। 8 नवमांश इन्होंने मूव करना है। अब लेकिन सबका डिफरेंट तरीका होगा। एक मिनट जरा आप लोग, जरा मैं बैटरी को चार्ज कर लगा दूं। तो हमें मालूम है कि मरकरी इनका, मरकरी जुपिटर वीनस तीनों के तीनों 8वें नवमांश के हैं। तो आप ये देखिए मरकरी की प्लेसमेंट कहाँ पे है? मरकरी इनका 12th हाउस में है कुंडली के, यानी कि अर्धी राशि में है, और वीनस भी अर्धी राशि में है, लेकिन जुपिटर इनका फायरी राशि में है। तो अब इसको याद रखिएगा कि मरकरी वीनस तो इनका अर्धी में है, तो वह काउंटिंग शुरू होगी मकर से या 10 नंबर से। और चूंकि इनका जुपिटर इनका फायरी में है तो काउंटिंग होगी एरीज से शुरू। ठीक है, तो अब आप आइए मरकरी पे, 25 degrees 44 minutes का है, अर्धी में है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉन और 10 नंबर, 8वां नवमांश है। अब हम इसे चलाएंगे कैप्रिकॉन से, हम काउंट करेंगे 8। तो कैप्रिकॉन राशि कहाँ है? ये है, इसके सामने वाली जो कैंसर है वो 7 हो गई। यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, और चलना है 8। आपने चलाना कितना है? 8 नवमांश चलाना है। तो कहाँ जाके वो फिट होगा? वो होगा लियो पे। तो इनका लियो पे आ गया। अब आप जुपिटर में आइए, जुपिटर इनका है, जुपिटर है इनका फायरी साइन में, यानी कि काउंटिंग जो शुरू होगी वो एरीज से होगी। फायरी साइन है तो एरीज से काउंटिंग होगी। 8 नवमांश काउंट करने हैं एरीज से। अगर आप एरीज से 8 नवमांश काउंट करेंगे तो 1 के सामने वाला 7 और 1 8, इसका मतलब कहाँ पोस्ट होगा जुपिटर? स्कॉर्पियो पे। तो आप देखिए जुपिटर को स्कॉर्पियो पे पोस्ट किया जाएगा। अब वीनस इनका है वो अर्धी साइन का है, मैंने अभी आपको बताया वीनस इनका कहाँ पे है? 12th हाउस में है, जो कि अर्धी साइन है, यानी 6 नंबर है, 2 6 10। उसमें काउंटिंग शुरू होती है कैप्रिकॉन से, कैप्रिकॉन से काउंटिंग शुरू होगी वीनस में, और 8 नवमांशा चलना है। तो आपको, आप फिर आ जाइए 10 नंबर पे, और वहां से आपने 8 मूव करना है, उसके सामने वाली राशि 7 और इसके यहाँ पे 8। इसका मतलब कहाँ पोस्ट होगा? लियो पे। तो आपने उसको लियो पे पोस्ट कर दिया। नहीं, जुपिटर इनका फायरी साइन, माय अपोलॉजीज, जुपिटर फायरी साइन का है इनका, और जुपिटर फायरी साइन का मतलब उसमें काउंटिंग शुरू होगी 1 नंबर से। फायरी साइंस में काउंटिंग हमेशा एरीज से शुरू होती है, तो एरीज से चूंकि काउंटिंग शुरू होगी और 8 चलना है नवमांश, तो सामने वाला 7 और 1 8, इसका मतलब स्कॉर्पियो पे जाके पोस्ट होगा जुपिटर। और वीनस इनका जो है वो अर्धी साइन में,
वीनस में काउंटिंग कैप्रिकॉर्न से शुरू होगी और 8 नवमांश हमने चलाने हैं वीनस को, तो आप आ जाइए कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न से आपने 8 नवमांश अगर आप चलाते हैं तो कहाँ आएगा, लियो पे। तो उसका मतलब आप देखिए कि वीनस जो है इनका लियो पे जाकर पोस्ट हो जाएगा। अब सैटर्न है, सैटर्न कहाँ पे है, सैटर्न इनका नीच का है यानी कि एरीज में है। एरीज में काउंटिंग एरीज से शुरू होती है, एरीज में जो काउंटिंग है वो एरीज से ही शुरू होती है और ये फायरी साइन है, एरीज से काउंटिंग शुरू होगी। और नवांशो कौन सा है, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक का जो नवांशा है वो पहला नवांशा है। इसका मतलब एरीज से अगर आपने 1 काउंट करना तो एरीज पे काउंट होगा, वो जाके एरीज पे ही पोस्ट हो जाएगा। याद रखिए एरीज से अगर काउंट होगा और आपने 1 काउंट करना तो एरीज पे जाके पोस्ट होगा। अब इसके बाद आपने लास्ट में राहु और केतु हमेशा बड़े इजी होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से ऑपोजिट खड़े होते हैं। तो राहु है 16 डिग्री 20 मिनट का है और राहु कहाँ पे इनका, इसमें आप यहाँ देखिएगा, राहु इनकी कुंडली में 12 नंबर पे है। 12 मतलब पाइसेस, ये वाटरी साइन है। वाटरी साइन में आप देखिए काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, वाटरी साइन में 4 नंबर यानी कैंसर से शुरू होती है। और 16 डिग्री 20 मिनट का जो राहु है वो 5वें नवमांश का है, केतु भी 5वें नवमांश का है, लेकिन केतु इनका अर्धी साइन में कैप्रिकॉन से शुरू होगी काउंटिंग। तो अब राहु और केतु को आप कैलकुलेट जो करेंगे तो ये वाटरी साइन में है, वाटरी साइन में काउंटिंग जो है कैंसर से शुरू होगी और 5 नवमांश उसने चलना है। तो आप कैंसर से आप 5 नवमांश आप जोड़ लीजिए, यानी यहां से काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5, यानी कि वो कहाँ पोस्ट होगा, स्कॉर्पियो पे। ये देखिए स्कॉर्पियो पे राहु पोस्ट हो जाएगा। अब केतु है, केतु अर्धी साइन में है, 5 नवमांश चलना है, अर्धी साइन में जो है वो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी कैप्रिकॉन से यानी मकर राशि से। मकर से 5 आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी वो टॉरस में जाके पोस्ट होगा। तो आप देखिए टॉरस में, अब ये आपकी नवमांशा में आप इसको पोस्टिंग कर दीजिए राशि वाइज। तो आपने यहाँ से उठा उठा के आपने असेंडेंट जो है पाइसेस में था तो पाइसेस का असेंडेंट बना दिया। और इसी तरीके से आप एक एक करके, जैसे सन है, सन इनका सैजिटेरियस में पोस्ट होगा, मून इनका एक्वेरियस में पोस्ट होगा, और इसी तरीके से इनका जो मार्स है वो एरीज में पोस्ट होगा, और जो मार्स के बाद इनका मरकरी है वो लियो में पोस्ट होगा। तो मरकरी को आपने लियो में पोस्ट कर दिया। इनका जो जुपिटर है वो स्कॉर्पियो में पोस्ट होगा, तो जुपिटर को आपने स्कॉर्पियो में पोस्ट कर दिया। वीनस इनका है वो लियो में पोस्ट होगा, तो वीनस को लियो में पोस्ट कर दिया। सैटर्न इनका जो है वो एरीज में पोस्ट होगा, तो सैटर्न को एरीज में पोस्ट कर दिया। राहु इनका स्कॉर्पियो में पोस्ट होगा, तो राहु को स्कॉर्पियो में पोस्ट कर दिया। और केतु जो है टॉरस में पोस्ट होगा, तो टॉरस में पोस्ट कर दिया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे फ्रॉम दी हॉरोस्कोप की हमने इनका नवमांश बताया, बनाया सही या नहीं बनाया। अब चूंकि दूसरा चार्ट हमें पाराशालाइट से खोलना पड़ेगा इनकी हॉरोस्कोप का, ये चेक करने के लिए कि नवमांश हमने सही कैलकुलेट किया कि नहीं, तो इसे आप एक पेपर में नोट कर लीजिए कुंडली और नवमांश को, ताकि हम उसे पाराशालाइट में इनकी हॉरोस्कोप से हम कंफर्म कर पाए। तो आप पाइसेस लगन की कुंडली बना लीजिए, उसमें पाइसेस लगन में सेकेंड हाउस में सैटर्न एंड मार्स पोस्ट होंगे एरीज में, केतु इनके थर्ड हाउस में टॉरस में होंगे, वीनस एंड मरकरी इनके 6th हाउस में लियो में होंगे, 9th हाउस में जुपिटर और राहु पोस्ट होंगे स्कॉर्पियो में, 10th हाउस में सन पोस्ट होंगे जो कि सैजिटेरियस में, और 12th हाउस में मून पोस्ट होंगे एक्वेरियस में। ये आप पोस्ट कर लीजिए। अब हम, अगर आप लोगों ने पोस्ट कर लिया हो तो मैं इसका स्टॉप शेयर करके मैं पाराशालाइट से आपको दिखाता हूं। प्रभा जी उतार लिया आपने, नोट कर लिया, सुमित आपने यस सर नोट कर लिया, यस सर ठीक है। अब आप देखिए, अब हम जो शेयर करेंगे वो हम पाराशालाइट में शेयर करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमने कुंडली को हमने ठीक से कैलकुलेट किया कि नहीं किया। ये देखिए ये इनकी कुंडली है और इस कुंडली के अंदर में नवमांशा है,
आप ये देखिए नवांश किसका है, पाइसिस का है, सेकंड हाउस में इनका सैटर्न एंड मार्स है, सैटर्न इनका रेट्रोगेड है, रेट्रोगेशन को आप नहीं बदलते, देखिए इनका इनका सैटर्न जो है रेट्रोगेड है, तो रेट्रोगेड वहां पे भी नवांश में भी रेट्रोगेड ही लिखा जाता है। अगर कोई प्लैनेट वक्री होता है तो नवांश में जब आप पोस्ट करते हैं तो वक्री लिखना पड़ता है। केतु इनका थर्ड हाउस का है, वीनस एंड मरकरी इनका सिक्स्थ हाउस का है, राहु एंड जुपिटर इनका नाइन्थ हाउस का है, सन इनका टेंथ हाउस का है और मून इनका ट्वेल्थ हाउस का है। अब आपको इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको कुछ नियम बताने के बाद इंटरप्रिटेशन वगैरह सिखाया जाएगा, क्योंकि व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद हम कुंडली में उसके नियमों को लगाएंगे। इस कुंडली का आप टाइम वाइम नोट कर लीजिए, नाम तो चेंज कर दिया गया है, वो एक हमारे क्लाइंट जैसे आप अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज कहते हैं वैसे एस्ट्रोलॉजर क्लाइंट प्रिविलेज होता है, उसके तहत नाम तो बदल दिया है। तो इसमें नाम कृष्ण भगवान का, क्योंकि आज पहली क्लास हमारी शुरू हो रही है, तो कृष्ण भगवान का ही नाम रख दिया है, उनको घनश्याम कहते हैं। तो 16 सितंबर 1968 10 o'clock in the morning एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज रामपुर। ठीक है सर, मेरे D9 में जो सॉफ्टवेयर में चेंज आ रहा है कुछ प्लेसमेंट का प्लैनेट्स का, बाकी तो असेंडेंट तो यही है। अब आप और दूसरे लोगों को ये परेशानी नहीं आने वाली, जैसे सुमित ने मैं बताया था चित्रपक्षी अनांशा को आप इसमें नोट करिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं इसमें ये चित्रपक्षी अनांशा यहाँ पे लिखा हुआ आता है, आप इसे चित्रपक्षी अनांशा से बनाइए और ये बिल्कुल वही आएगा। ठीक है सर। चित्रपक्षी इसमें लारी लिखा हुआ है, चित्रपक्षी अनांशा क्या है, लारी का है, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब इनको मान्यता प्राप्त हैं और कैलकटा में इनकी ऑब्जर्वेटरी है, और यह अनांशा लारी साहब का है जो कि 23 degrees 25 minutes and 9 seconds माइनस यह अनांशा है। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब आपको ना ये इस पे सॉफ्टवेयर के एनोमलीज पे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप खुद इसको कैलकुलेट करेंगे, ये एक प्रामाणिक विधि है, प्रामाणिक तरीका है, यानी कि ये एक एस्टैब्लिश्ड वे है, और मल्टीपल हॉरोस्कोप्स में लगाने के बाद भी आप देखेंगे रिजल्ट्स आपके वही आएंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जी मैं अब चूंकि 9 बज गए हैं, हमारे क्लास का समय तो समाप्त हो गया है, और मैं चाहता हूं कि इसको स्टॉप शेयर करके मैं चाहता हूं कि आप में से कोई अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है इस कुंडली के कैलकुलेशन नवांशा से तो वो पूछ लीजिए। ऋतु जी आपको समझ में आया कुछ? सर डिग्रीज जो थी ना जो आपने मतलब कैलकुलेशन कैसे करना वो समझ आ गया जी, लेकिन तो डिग्री उसके साथ लिखी हुई थी वो मतलब उसमें सॉफ्टवेयर में आ जाएगी अपने आप ना। हाँ वो डिग्रीज आप ये देखिए, मैं आपको आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है फॉर ए बिगिनर ऑफ दी सब्जेक्ट, क्योंकि आप इससे वाकिफ नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए डिग्रीज लिखी भी आ जाती है, आप देखिए यहाँ पे कोई भी हॉरोस्कोप होती है हॉरोस्कोप की डिग्रीज बकायदा यहाँ पे आ जाती है लिखी। ओके सर, बस वही डिग्रीज का नहीं समझ पा रही, डिग्रीज आपको यहीं से उठानी होती हैं, यहाँ पे डिग्रीज आती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर तो डिग्रीज प्लैनेट्स के ऊपर लिख देते हैं, जैसे फ्यूचर पॉइंट के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें डिग्रीज जो है वो प्लैनेट्स के ठीक ऊपर लिखी भी आती है, और जो मेरे ख्याल से इसका भी क्या है, नहीं इसमें नहीं आती है, इसके अंदर नहीं आती है, इसमें यहाँ आप साइड में आप देखेंगे ना प्लैनेट के सामने डिग्रीज आ जाएंगी और किस नक्षत्र पे प्लैनेट है वो भी लिखा हुआ आ जाता है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है पार्शियल लाइट में। लेकिन वैसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैंने यूज़ किए हैं सभी में प्लैनेट्स की डिग्रीज दी होती हैं,
या तो वो बॉटम लेफ्ट पे वो देते हैं या फिर वो प्लेनेट के ठीक ऊपर लिख देते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बोलिए, और कौन बोल रहे हैं? राहुल बोल रहा हूँ सर। राहुल साहब आप कहाँ पे हैं? एक मिनट में मैं आपको स्पीकर मोड पे डालता हूँ ताकि आपको मैं देख पाऊँ। हाँ जी बोलिए राहुल साहब बोलिए। सर ये प्रोसेस तो समझ में आ गया, बट अगर थोड़ा सा इसको अगर एस्ट्रोनॉमिकली समझना चाहें तो एग्जैक्टली जो आपने काउंटिंग स्टार्ट करी, तो जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो बर्थ के टाइम पे अपनी अपनी डिग्रीज में फिक्स हो गया एसेंडेंट के हिसाब से, वो समझ में आ गया। उसके बाद आपने एक प्रोसेस बनाया कि आपको जो है डिपेंडिंग ऑन द राशि आपने उसको उतनी काउंटिंग पे लेके डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द प्लैनेट, वो बात भी क्लियर हो गई। और उसके बाद आपने ऑब्वियसली D1 के साथ कंपेयर करके आपने उसके D9 के अंदर पोजीशनिंग कर दी। तो एस्ट्रोनॉमिकली एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मतलब ये नक्षत्र के हिसाब से प्लेसमेंट हो रही है कि जैसे उन राशियों के जो नक्षत्र हैं उसके हिसाब से ग्रह प्लेस हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? मतलब D1 टू D9 में इस प्रोसेस की थोड़ी बहुत मतलब हाई लेवल थ्योरी क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा बेसिकली? देखिए क्योंकि हाई लेवल जो थ्योरी है वो तो यही है कि ये कॉरेस्पॉन्ड जो नक्षत्र के जो चरण है ना, ये आप में बहुत ही वृहद सब्जेक्ट है। जैसे नक्षत्र के चरण, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में कृष्णमूर्ति पद्धति के जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं वो लिखते हैं कि उनके मघा के दूसरे चरण के प्लैनेट्स जो हैं वो होने की वजह से अमिताभ बच्चन के, और उन्होंने ये कहा है कि मघा का जो तीसरा चरण है वो बिरीवमेंट का है और मघा का जो पहला चरण है वो स्ट्रगल का है। लेकिन मघा नक्षत्र जो कि आपको मालूम है कि जो नक्षत्रों की जो बेल्ट होती है वो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी वृक्षरा आद्रा पुनर्वसु मुख्य अश्लेषा पे जाके आपकी कर्क राशि खत्म हो जाती है, फिर आपकी जो लियो से मघा शुरू होता है, लियो राशि से मघा पूर्वा फाग्नि उत्तरा फाग्नि हस्तचित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। लेकिन हर नक्षत्र जो 13 डिग्री 20 मिनट का है उसके चार फल के हैं, यानी चार चरण हैं। यानी आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा नक्षत्रों के ऊपर काम किया है कृष्णमूर्ति साहब ने। तो कृष्णमूर्ति साहब ने नक्षत्रों के हर चरण का एक हवाला दिया है, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया है। अब आपको यही चीज यहाँ पे आपको नजर आएगी, जब हम अमिताभ बच्चन साहब की जब हम नवमांशा हम बनाते हैं, अमिताभ बच्चन के चार प्लैनेट्स, फोर प्लैनेट कुंभ लगन के हैं, वो चौथे भाव में उनके उनका लग्नेश है यानी कि शनि बैठे हुए हैं, और जो कुंभ लगन में जो सामने राशि आती है वो लियो आती है, यानी कि 180 डिग्रीज पे यानी सप्तम भाव पे लियो आती है और अष्टम भाव पे वर्गो आती है। वर्गो राशि में उनके चार प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, शुक्र नीच के हैं, बुध हैं और मंगल है। अब वो चार प्लैनेट्स हैं। अब ये बात जो एक बहुत बड़े समस्या को जन्म देती है कि एक आदमी जो कि एक रेगुलर फैमिली में पैदा हुआ, he was a son of a teacher, was a professor, professor of English in Allahabad University and a very prolific poet and a writer and of eminence also, but not to the extent that his son has actually risen in such. उनके बेटे जो हैं वो तो एक बिल्कुल रेगुलर आप लाइफ से निकले हैं, मतलब एक वो यूं समझिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्राध्यापक के बच्चे होकर अब वो 2000 करोड़ पे, जैसे ही शनि की महादशा शुरू हुई तो वो अमिताभ बच्चन जो है वो जंजीर आ गई और जंजीर के बाद में वो बिल्कुल आइकॉनिक लीडर हो गए। तब ये क्वेश्चन आया, ये नक्षत्रों से कृष्णमूर्ति पद्धति के स्टूडेंट समझा देते हैं और हम नवमांशा से समझा देते हैं। अभी आप देखेंगे कि जब हम नवमांशा बनाएंगे तो आप देखेंगे इनका गुरु और उनका शुक्र, ये दो प्लैनेट, ये दोनों के दोनों पुष्कर नवमांशा के, और हमारे पुष्कर नवमांशा में ये कहा जाता है द पर्सन वुड लिव लाइक ए किंग। अब आप समझ गए, तो ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये नक्षत्रों के साथ में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये बात, ये कोई बहुत बड़ा कोई अर्थमेटिक का विद्वान व्यक्ति होगा, या मैं तो ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से हूं, मैंने तो उसके बाद आई डिड माय एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, मैं एमबीए करने चला गया, तो मैं कोई मैथमेटिकल कोई मतलब मैं कोई मेरे कोई ऐसा बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स को जानता हूं। लेकिन आपका कहना ठीक है राहुल साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं कि इस पर अगर दिमाग लगाया जाए
तो ये निकल के आएगा कि जो चीज नक्षत्र बोल रही है वही चीज हमारा नवांश बोल रहा है। और मैंने आपको उसको बताया भी कि 27 नक्षत्रों को चार चरण के हिसाब से 108 नक्षत्र के चरण आ रहे हैं, और वही नौ नवमांश के हिसाब से 12 राशियों से 108 नवमांश आ रहे हैं। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्ड तो कर ही रहे, यानी कहने का मतलब है दोनों का जो स्पैन है वो स्पैन तो 3 डिग्री 20 मिनट का ही है। तो ये तो कॉमन सेंस कहता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों दोनों मिलते हैं। तो उसे उसमें मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें ना जो लोग जीवन देखते थे अमिताभ बच्चन की कुंडली को देखकर या ओशो की कुंडली को देख के, अब ओशो रजनीश अपने आप में वो न्यू ऑर्लियंस में, मैं नाम भूल गया, न्यू ऑर्लियंस में सुमित आपको याद होगा वो कहां उन्होंने अपना वो कॉन्डो बनाया था जहां वो जो इनका वो था आश्रम था, मैं बिल्कुल भूल गया, खैर कोई, इट्स नॉट सो रेलेवेंट। रेलेवेंट क्या है कि ओशो की कुंडली में 5 ग्रह अष्टम भाव में थे। ओशो सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में प्रोफेसर थे और फिलोसफी के, दर्शन के प्रोफेसर थे। ओशो ने आज तक कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनकी किताबें जो हैं पूरे अर्थ को सर्कल कर सकती हैं, उनके डिस्कोर्सेज हैं, मतलब जो भी उन्होंने लेक्चर दिए हैं वो दे हैव ऑल बीन कंपाइल्ड इनटू अ बुक फॉर्म। वो मतलब इतने बुक्स, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, कोई रिलीजन ऐसा नहीं है, कोई वो नहीं। तो अब ये क्वेश्चन जब ये अराइज हुआ कि यार अष्टम भाव को तो कुंडली का गड्ढा कहते हैं, मतलब दैट इज द पिट ऑफ द हॉरोस्कोप, दैट द लोएस्ट पॉइंट, और लोएस्ट एब में 5 प्लैनेट ओशो के बैठे और लोएस्ट एब में 4 प्लैनेट अमिताभ बच्चन के बैठे, और ये आइकॉनिक लीडर्स हो गए, इन्होंने तो वर्ल्ड फेम कमाया। इसी तरीके से फिर उन्होंने, फिर वो गए, उन्होंने कहा कि जो भक्ति योग की जो स्थापना हुई है वो उसमें, फिर प्रभुपाद साहब की हॉरोस्कोप देखी गई, और भक्ति योग का जो चैतन्य महाप्रभु उनका 8th हाउस बहुत क्लस्टर्ड। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है इस बार नोटेबल हॉरोस्कोप में जो डॉक्टर बीवी नमन ने हॉरोस्कोप लिखी हैं 365 हॉरोस्कोप, तो मतलब नोटेबल हॉरोस्कोप के नाम से उनकी एक किताब पब्लिश हुई जिसमें कि बड़े वेरीड हॉरोस्कोप हैं, वहां पे चैतन्य महाप्रभु की हॉरोस्कोप। तो अब ये क्वेश्चन जब ये अराइज हुआ तो डॉक्टर के एन राव जो कि इंडियन ऑडिटिंग अकाउंट सर्विसेज से रिटायर हुए अकाउंटेंट जनरल के रूप में, और उन्होंने भारतीय विद्यापीठ में ज्योतिष का की के कोर्सेज की शुरुआत की, तो उनके फिर आर्टिकल्स आने शुरू हुए द इम्पोर्टेंस ऑफ द 8th हाउस। लेकिन वो घूम फिर के वो जैमिनी से उन्होंने उनको जस्टिफाई किया, जैमिनी ज्योतिष चूंकि ईजियर ज्योतिष है। अभी आपको कभी अगर सुनील जी ने अगर इस तरह का कोई मसविदा रखा, मतलब कि इस तरह का कोई सजेशन रखा कि आप जैमिनी का भी कोर्स चलाइए, क्योंकि मैं तो अपने इंस्टीट्यूट में तो जैमिनी भी पढ़ाता था, तो जैमिनी से उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि जैमिनी बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है 4 कारक से हैं और स्थिर कारकों के मतलब 4 कारक हैं, और वो हर चीज में बहुत ही मतलब बहुत स्ट्रेट एक आंसर उठा के देता है। जैसे मेरा ताजिक का सब्जेक्ट था अभी मैंने एंड किया, वो बड़ा ईजी था। आपने हाथ खड़ा किया है दवे साहब, बताइए आपका पूरा शुभ नाम क्या है सर? सर मेरा नाम भूपेश दवे है। अच्छा, और मैं ये पूछना चाहता था सर कि ये जो आपने कैलकुलेशंस बताए ये तो एक विद्यार्थी के नाते हम लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में नवमांश कुंडली जो है वो रेडीमेड मिल जाती है, तो फिर भी हमें अपने आप बनानी है या उसी सॉफ्टवेयर को देखकर इंटरप्रिटेशन करना चाहिए? देखिए किसी बात को ना जानने की जरूरत क्यों होती है, इसको के कैलकुलेशन को जानने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स में, मैंने आपको बताया ना कि जैसे जरा सा भी अनांश अगर बदल जाएगा तो साइड लॉन्जिट्यूड्स बदल जाएंगे, अगर साइड लॉन्जिट्यूड्स बदल गए तो 5वें के बदले 6ठे नवांश पे पड़ जाएगा, पता चलेगा वो 20 डिग्री का नहीं होगा, 20 डिग्री 5 सेकंड का हो जाएगा तो 6ठे नवांश से 7वें में आ जाएगा, 5 सेकंड आगे बढ़ने से भी वो फिर छठा। आप बिल्कुल प्लीज ना, अपना है
आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस समय बात करेंगे उस समय आप लोग आवाज कहाँ से आ रही है, किनके घर से आ रही है? नहीं सर, मेरा मेरा आवाज सर, प्रश्न ये था सर कि अगर मान लीजिए आप एज ए क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो मैं आपकी कुंडली में मुझे नवमांश की कुंडली भी मिल गई तो मैं उसी को देखकर इंटरप्रेट करूं या हर कुंडली को मैं रीचेक करूं? नहीं नहीं, आपको हर कुंडली को आपके घर से आ रही थी आवाज दबे सब। तो मैं आपको, आपका क्वेश्चन काफी पर्टिनेंट है। देखिए ऐसा है कि पढ़ने को तो आपने जो नवमांश कुंडली है उस नवमांश कुंडली को अगर आपको रेडी मेड मिल रही है तो आपने उसको नवमांश कुंडली को देखना है। लेकिन अगर कभी भी अगर आपको इस तरह का कोई डाउट निकल के आता है, यानी कि अगर वो कहे कि एक सॉफ्टवेयर में क्लाइंट यहाँ से, देखिए आजकल क्लाइंट बड़े इन्फॉर्म्ड आते हैं, बहुत इन्फॉर्म्ड क्लाइंट्स आते हैं। अब हमारे यहाँ पे प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स राणा जी हैं या दूसरे लोग हैं, इन्हीं के आप एक्सपीरियंसेस आप पूछ सकते हैं जो कि आज इनको प्रैक्टिस करते हुए करीब करीब 20 ईयर्स के करीब हो गया है। तो आजकल जो क्लाइंट्स हैं ना जी सर, नाइव नहीं है, क्लाइंट्स आर वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड दे हैव बीन गोइंग टू डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स। अब वो कहे साहब एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उन्होंने मेरी ये कुंडली बनाई, ये नवमांश बनाया और मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरा ये नवमांश बना रहे हैं, मेरा तो साहब जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में है, आपने उसको जो है 12th हाउस में डाल दिया। तो आपके लिए अगर आप इसका कैलकुलेशन जानते हैं तो आपके लिए एक मिनट लगेगा। आपने उसको देखा और आपने देखा क्या लॉन्जिट्यूड है और किस राशि में, आपको मालूम है कि वो 1, 4, 7, 10 से काउंटिंग शुरू होगी, आपने काउंट किया और आपने कहा साहब इतना नवमांश चलना है और यहाँ पे पोस्ट होगा, तो आप उस आदमी को ना प्रूव कर देंगे। देखिए एक अच्छे ज्योतिषी के रूप में आप उभर के तभी आ सकते हैं जब आप वेल इन्फॉर्म्ड हो। अब जैसे एक स्टूडेंट ने अभी LMT की बात की, लोकल मीन टाइम की, अगर शिक्षक को ना मालूम हो कि लोकल मीन टाइम कहाँ यूज होता है तो फिर वो शिक्षक के लिए ना थोड़ा एम्बेरसमेंट हो जाता है। वो बात दूसरी है कि उस टॉपिक को टच ना करने का एक दूसरा रीजन है, क्योंकि वो अपने आप में एस्ट्रोनॉमिकल टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमी रेलेवेंट टू द एस्ट्रोलॉजी, व्हिच इज वेरी वेरी लेंथी टॉपिक। उसको अगर टच करने का मतलब है कि आप बहते हुए आप अपनी क्लास को हाईजैक करते हुए दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे जो कि रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे, तो वो बात दूसरी है। लेकिन हाँ, उनसे वो चूंकि मेरे ताजी के भी स्टूडेंट रह चुके हैं और बहुत ही फ्रंट रनर रहे हैं, मैं तो उनको डायरेक्ट फोन करके मैं उनको समझा सकता हूँ या मैं उनको पर्सनल मैसेज पे समझा सकता हूँ। आप समझ गए मेरी बात? तो बहरहाल आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोसेस को जाने, आपके लिए बहुत कैलकुलेशन को आप जाने, अगर आप जी सर वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। जी सर जी, शुक्रिया सर। और आप में से किसी ने कुछ पूछना हो, क्योंकि समय अब ज्यादा होने लगा है। सर मुझे एक्चुअली ना एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए सर। मेरा ना ये रामपुर ना सॉफ्टवेयर में करीब 30-35 आ रहे हैं, अब कौन सा रामपुर है तो लैटिट्यूड सही हो गया। उत्तर प्रदेश सर, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर में करीब 14-15 रामपुर आ रहे हैं और उसके अंदर लैटिट्यूड सब कौन सा लिया है, क्योंकि मेरा नवांश ना फर्क आ रहा है आपसे। रामपुर जो है, इतने ज्यादा रामपुर आपकी कंट्री में आ रहे हैं, मेरा भी फर्क आ रहा है सर। फर्क आ रहा है क्योंकि ना इसमें ना सर नीच दर नीच तो सर शनि बन रहा है और उसी टाइम पे इनकी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई होगी, शायद रेट्रोग्रेड है वो। अच्छा ये बताइए 73 ईस्ट एंड 40, ये तो लॉन्जिट्यूड है, लैटिट्यूड है 23 नॉर्थ 53। सर इसमें मैंने मैनुअली डाल के देखा है, उसमें 28 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया, 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। आपने वो असल में रामपुर अब उत्तराखंड में आ गया है, तो आप कीमत डालिए। अच्छा नहीं नहीं, उसी में रामपुर उत्तर प्रदेश में ही है, ये रामपुर यूपी में ही है सर, अभी भी आजम खान का वो है गढ़ है। क्योंकि सर उसमें ना राशि तो सेम आ रही है बेसिकली, जो हाउस प्लेसमेंट है नवांश की ना वो चेंज हो रही है, तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक 4th हाउस में शुक्र आ रहा है, एक में फिर 5th हाउस में आ रहा है। आप प्लैनेट्स का लॉन्जिट्यूड देखिए, आप उसमें
हाँ सर, वो सर मैनुअली जो अभी आप तरीका बताया उससे बनाएंगे तो शायद ठीक आ जाएगा बिल्कुल। आप वो बनाइएगा, आज आप लोग का प्रैक्टिस का टाइम है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा देखिए, काफी लोग जो हैं वो क्विट कर गए हैं यहाँ से, अब 21 हो गए हैं, पहले उस समय 40 थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप 21 लोग भी क्या कल क्लास में इंटरेस्टेड हैं? हाँ जी 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 सर। ओके सर, बिल्कुल सर। श्रीमान जी 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 ठीक है, कल हम फिर वी आर गोइंग टू मीट अगेन एट 7:15 और anywhere between 7:15 and 7:30, but I will also let you know कि मेरे mumps या मेरे tonsils, क्योंकि मैं azithromycin पे भी हूँ और azithromycin का third आज मैंने dose ली थी, अभी दो बाकी हैं दो दिन की, अगर कोई मतलब I would like to be excused in case there is some kind of inflammation and I am not able to speak up, but I'll let you know. No problem. Okay, no problem, sir. No problem, sir. मैं आपको कम से कम जो है 4 to 5 or 6 घंटे पहले आपको कोई इशू नहीं सर, हमारी तरफ से ओके, नो इशू सर, नो इशू सर, आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से सर, वी आर विद यू ऑलवेज। शुरू करना है कल हमने, अब प्रेडिक्शंस पे आ जाना है और प्रेडिक्शन करने के जो मेथड्स हैं उनको हमने डेवलप करना है उस सब्जेक्ट को। थैंक यू, ठीक है, आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा कल का? हाँ यही टाइम ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सर। नमस्कार, नाम सर, एक्सक्यूज मी सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर, माय ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग बहुत अच्छे साबित हों। सर मैं प्रभा, मैं बात कर सकती हूँ आपसे? सर मैं न्यू हूँ, एज आई टोल्ड यू, बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, जितना आपने समझाया दैट इज वेरी मच क्लियर, जिसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, 90% समझ में आ गया, बट ये जो जैसे राशि एंड ऑल ये थोड़ा सा अभी है, तो क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ उसमें? नहीं अब करिए आप उसमें, मैं तो ना हम संजीव है, मैं आपको बताते भी रहेंगे। अच्छा, बाकी क्योंकि जितना आपने, प्रभा जी आपको मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप थोड़ा सा एक या तो बेसिक बुक ले लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा वेबसाइट से राशियां क्या कौन सी हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है, त्रिकोण कौन से हैं, वो सब आप स्टडी करते रहिए। क्या आप बता पाएंगे मुझे कोई बुक का नाम? मैं मार्केट से ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप मुझे लगता हो, आपको लगता हो कि मैं बेसिक नॉलेज वहां से ले सकती हूं, अमेज़न से जो है, प्रभा जी आप मेरे उसमें है ना, मैं आपको 2-3 लिंक भेज दूंगा अमेज़न से, अमेज़न से बहुत अच्छी किताबें हैं, जैसे अग्रवाल साहब की हैं और एक सीपी अरोड़ा साहब की लिखी हुई किताब है, तो मैं उसके लिंक आपको भेज दूंगा, इनफैक्ट में डाल दूंगा, अगर आपको, आप उसमें ग्रुप में देख लीजिएगा, जस्ट आप नवांशा एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में होंगी, जी जी हाँ उसमें डाल दें आप, नवांशा में डाल दें जी, मैं आपको सऊदी सर की भी चाहिए। और एक मतलब मेरा सिर्फ सजेशन है कि अगर हम जैसे मंडे और वेंसडे बीच में एक दिन का गैप दे दें, जिससे कि हम उसको दोबारा से भी कर पाए, मीन सिर्फ एक कंटिन्यूशन में क्लास अटेंड ना करें, प्रैक्टिकली व्हाटएवर यू आर टीचिंग अस, तो हम उसको रिवाइज कर पाए। इनफैक्ट मैं देखता हूँ ना कि थोड़ा सा जिंक्स है, मंडे मुझे समहाउ मंडे मुझे सूट नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूँ मंडे mostly invariably have some kind of situation on Monday. हाँ तो आप छोड़ दीजिए, कोई problem नहीं है sir, वो तो working day है। हम ये कर सकते हैं कि Tuesday, Wednesday कर सकते हैं, या Wednesday, देखिए ज्योतिष पढ़ने के लिए Wednesday and Thursday would be the best, क्योंकि एक बुद्ध का दिन है और एक वीरवार है, okay. का है गुरु का दिन है, तो ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रहेगा, कोई रख लें वार और वीरवार, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उसमें, बस आप मुझे बुक का बता दीजिएगा कुछ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ कोप अप कर पाऊँ। बुक विल हेल्प मी आल्सो आई थिंक। या थैंक यू सर। आर यू पार्ट ऑफ दैट ग्रुप? मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है सर। ओके सर। ग्रुप बना है उसमें आप होंगी, अभी आपको ये इसका वो मिला। अच्छा आपको बहुत बहुत एंड यू ऑल हैव अ स्वीट ड्रीम। Thank you. Thank you. Namaskar ji. Namaskar ji.